नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि दोस्तों, हम मौसमी के जो क्वेश्चन हैं वो पढ़ रहे थे, और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 91 टू 100 तक। तो लगभग हमने पिछले जो 90 जो क्वेश्चन हैं दोस्तों वो पढ़े हैं, उनको अच्छे से रिवाइज भी किया है, हर क्लास के अंदर उसको दोबारा से हम पढ़ते हैं, उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं कि किस प्रकार से इनको याद किया जा सकता है, वो तरीका भी मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से आप मौसमी के जो क्वेश्चन हैं उनको कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक इसको लेकर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक पूरी डिजीज के बारे में हमें बताता है, और ये एक ऐसी डिजीज है कि बच्चों को थोड़ी टफ भी लगती है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ड्यूरिंग ए प्री नेटल एग्जामिनेशन, वही बात हो गई कि प्रेगनेंसी के दौरान जो एग्जामिनेशन है उसे हम किस नाम से जानेंगे, प्री नेटल एग्जामिनेशन के नाम से जानेंगे। कि मतलब क्या हुआ, नेटल का मतलब यहाँ पर लेबर से, प्री का मतलब उससे पहले, तो लेबर से पहले जो एग्जामिनेशन किया जाएगा उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, प्री नेटल एग्जामिनेशन के नाम से जानेंगे। ए नर्स ड्रॉज ब्लड फ्रॉम एन RH नेगेटिव क्लाइंट, ठीक है, एक जो नर्स है दोस्तों वो क्या लेती है, ब्लड लेती है। कहाँ से, RH नेगेटिव जो क्लाइंट है ना दोस्तों उसका क्या लेती है, ब्लड लेती है। द नर्स एक्सप्लेन्स दैट एन इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट विल बी परफॉर्म्ड टू प्रेडिक्ट वेदर द फीटस इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग। वो क्या करें कि मैं एक टेस्ट कर रही हूँ, कौन सा, इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट कर रही हूँ, किसके अंदर कर रही हूँ, किससे सैंपल लिया उसने, RH नेगेटिव मदर जो है दोस्तों उससे सैंपल लिया है। तो वो ये कह रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट कर रही हूँ। ये मैं क्यों परफॉर्म कर रही हूँ, क्योंकि ये बताएगा, ये प्रेडिक्ट करेगा कि जो बच्चा है वो इन चारों में से जो एक कॉम्प्लिकेशन है उसके रिस्क पे है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में वो बताएगा। तो दोस्तों इनडायरेक्ट जो कुंभ टेस्ट है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो आप सबको पता है ये RH इनकम्पेटिबिलिटी है उसको चेक करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, RH इनकम्पेटिबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। अभी और डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ शुरुआत कर रहा हूँ इसलिए मैंने ये वर्ड लिखा है, और जब हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तब हम बात करेंगे कि इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट के अंदर क्या चेक किया जाता है। तो दोस्तों RH इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर क्या होता है, RH इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर जो फीटस है उसकी जो RBC है उनका ब्रेकडाउन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण फीटस के अंदर क्या आती है दोस्तों, एनीमिया की कंडीशन पाई जाती है। और भी सिम्टम्स आते हैं उनकी भी हम बात आगे करेंगे। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक्यूट हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डेफिशिएंसी होती है, या फिर फिजियोलॉजिकल हाइपरबिलिरुबिनेमिया देखने को मिलता है। चलो पहले बात करते हैं फिर हम आगे इस क्वेश्चन पे वापस से आएंगे। पहला दे रखा है दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में मैं आपको बात करता हूँ कि RH जो एंटीजन है वो उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसे हम एंटीजन डी के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, एंटीजन डी के नाम से भी जानते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि RH एंटीजन इज ऑल्सो नोन एज एंटीजन A, B, C, D, कुछ भी आ जाए ऑप्शन में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना एंटीजन डी है। एक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि RH जो एंटीजन जीन है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर जीन की बात हो रही है कि कौन से क्रोमोसोम के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों ये क्रोमोसोम नंबर 1 जो है उसकी शॉर्ट जो आर्म है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, तो शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 1 जो है दोस्तों उसकी जो शॉर्ट आर्म होती है उसके ऊपर ये जीन क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट लिखता हूं मैं, प्लस एंटी का मतलब ध्यान रखना कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, प्रेजेंट लिखना चाह रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी पिछली क्लासों में भी बताया, हो सकता है कि किसी बच्चे की नई क्लास हो इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर कि अर्लीएस्ट सीन कब होता है, यहाँ पर RH फैक्टर की बात कर रहे हैं कि जो RH जो फैक्टर है दोस्तों, RH फैक्टर कब सीन होता है सबसे पहले, तो 38th डे आफ्टर कंसेप्शन। RH फैक्टर जो है दोस्तों RBC की सरफेस पे पाया जाने वाला एंटीजन है ये, ठीक है, किसकी सरफेस पे, RBC की सरफेस पे पाया जाने वाला एंटीजन है ये RH फैक्टर, ठीक है। ये कौन से दिन प्रेजेंट होता है दोस्तों, 38वें दिन आफ्टर कंसेप्शन, या पोस्ट कंसेप्शन लिख लो या आफ्टर कंसेप्शन, तो कंसेप्शन के बाद में 38वें दिन क्या होता है दोस्तों, ये प्रेजेंट होता है। अब ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें ये पूछते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर मदर क्या होती है, फीटस क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसमें ध्यान रखना मदर जो होगी दोस्तों उसके अंदर RH फैक्टर एबसेंट रहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, RH नेगेटिव बोलेंगे, मतलब RH जो एंटीजन है दोस्तों जिसमें एंटीजन डी बोला वो क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। कोई पूछे कि एंटीजन डी और RH एंटीजन कब प्रेजेंट होता है, तो 38 डे आफ्टर कंसेप्शन, या फिर सीधा RH फैक्टर भी लिखा हुआ आ सकता है। इसके बाद फीटस पूछता है कि फीटस क्या होगा, तो फीटस दोस्तों RH क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सिंपल सा एक बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि RH इनकम्पेटिबिलिटी के केस में क्या कंडीशन पाई जाती है, भाई मदर जो होगी वो RH नेगेटिव रहेगी हमेशा, और जो फीटस रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, RH पॉजिटिव रहेगा।
चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसको मैं अब समझाता हूँ आपको कि होता कैसे, एक पूरी डिजीज हो जाएगी इस एक क्वेश्चन से। सिर्फ क्वेश्चन करना मकसद नहीं है कि एक क्वेश्चन कर लिया खत्म काम, चार ऑप्शन बता दिए, मैं चाहता हूँ कि उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिले। चलो बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा दोस्तों, एक चीज़ और लिख लो इसमें, देखो मैंने आगे लिख रखा है क्या हाई रिस्क के बारे में, इसमें मैंने नहीं लिखाया, चलो एक लाइन और लिख लो। एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी जो प्रेगनेंसी वो हाई रिस्क मानी जाएगी इस केस के अंदर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी में, तो अगर फादर दोस्तों पहले से आरएच पॉजिटिव है, ठीक है, जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर फादर अगर पहले से आरएच पॉजिटिव है तो यहाँ पर 50% क्या हो जाते हैं, चांसेस हो जाते हैं कि जो बेबी है वो भी क्या होगा दोस्तों, आरएच पॉजिटिव होगा। इसलिए उस प्रेगनेंसी को हम किस नाम से जानेंगे, वो बेबी जो होगा उसके लिए प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, हाई रिस्क हो जाएगी। तो ये प्रेगनेंसी क्या कहलाएगी दोस्तों, हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाएगी, क्या कहलाएगी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाएगी। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब पैथोफिजियोलॉजी को समझते हैं दोस्तों, इसको समझने के लिए देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है, हम बिल्कुल आराम आराम से चलते हैं कि मदर जो है वो है आरएच नेगेटिव, मदर इज आरएच नेगेटिव, हमने अभी बात की है, एंड बेबी इज या फीटस लिख लो, फीटस इज आरएच पॉजिटिव, बस कुछ बात नहीं लिखाई मैंने, सीधी सी जो पहले लिखाई है वही बात लिखी है कि जो मदर है दोस्तों वो क्या है, आरएच नेगेटिव है और जो फीटस है वो आरएच पॉजिटिव है। किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से अगर फीटो मैटरनल हेमरेज होता है, फीटो मैटरनल हेमरेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, फीटो मैटरनल हेमरेज का मतलब ये होता है कि फीटस का जो ब्लड है वो मिक्स हो जाए किसके ब्लड में, मदर के ब्लड में। चाहे आप इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट का यूज करके कर रहे हो, डिलीवरी के दौरान कर रहे हो, लेबर के दौरान ऐसा हो रहा हो, ठीक है, किसी भी रीजन से अगर दोस्तों फीटस का जो ब्लड है वो मदर के ब्लड से मिल जाए तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, फीटो मैटरनल हेमरेज के नाम से हम इसे जानेंगे। मतलब कि एक तरह से हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है, किसी भी रीजन से क्या हो गई दोस्तों, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गई, चाहे स्मॉल अमाउंट में चाहे स्मॉल अमाउंट में ही हो जाए, लेकिन मदर और फीटस का जो ब्लड है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अब मदर का जो ब्लड है दोस्तों वो क्या है, आर एच नेगेटिव है, तो उसके पास आर एच क्या आया दोस्तों, फैक्टर आया, ठीक है, तो आर एच फैक्टर एंटर्स इनटू मैटरनल सर्कुलेशन। अब आप एक बात बताओ, जब इसके पास आरएच फैक्टर है ही नहीं तो मदर के अंदर जब आरएच फैक्टर जाएगा दोस्तों, वो तो खुद आरएच नेगेटिव है, तो मतलब उसे उसको उसकी बॉडी को पता ही नहीं है कि आरएच फैक्टर क्या चीज है। सिंपल सी बात ये समझो कि उसकी बॉडी को पता ही नहीं है कि आरएच फैक्टर है क्या चीज। जब मदर के ब्लड में आरएच फैक्टर जाएगा तो उस फैक्टर के जाने के कारण दोस्तों वो जो बॉडी है, वो बॉडी है दोस्तों वो क्या सोचेगी कि ये क्या है दोस्तों, एक एंटीजन है, क्या है दोस्तों, एंटीजन है, और एक इम्यून एक्शन क्या होगा दोस्तों, स्टार्ट होगा। इम्यून एक्शन क्या होगा दोस्तों, इम्यून एक्शन अगेंस्ट आरएच एंटीजन, क्योंकि उसे एंटीजन मानेगी ना बॉडी, तो भाई ये तो फॉरेन पार्टिकल है, बॉडी इसको क्या मानेगी, फॉरेन पार्टिकल मानेगी मदर की बॉडी, क्योंकि उसके पास तो खुद आरएच नेगेटिव है, उसको पता ही नहीं है कि भाई आरएच फैक्टर क्या होता है। जब आरएच फैक्टर आएगा तो उसे सोचेगी फॉरेन पार्टिकल आ गया, और कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा तो दोस्तों जबकि जब क्या बन जाएगी, आईजीएम बन जाती है, आईजीएम बॉडी एंटीबॉडी फॉर्म। एक्चुअली में आईजीएम एंटीबॉडी जबकि जब बन जाती है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन स्टार्ट आईजीएम की एंटीबॉडी जबकि जब बन जाएंगे, लेकिन दोस्तों ये आईजीएम जो एंटीबॉडीज जो है ना दोस्तों, ये क्या नहीं कर पाती हैं, ये क्रॉस नहीं कर सकती हैं, किसको, प्लासेंटा को। आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा शायद इस बारे में, तो आईजीएम एंटीबॉडीज कैन नॉट क्रॉस द प्लासेंटा, तो बेबी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, कैन नॉट क्रॉस द प्लासेंटा, तो बेबी तक ये नहीं पहुंच पाती है, तो ये बेबी तक नहीं पहुंच पाती है। अब इसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे आईजी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन में क्या होगा दोस्तों, स्टार्ट होगा, आईजीजी जो एंटीबॉडीज हैं उनका एंटीबॉडी फॉर्मेशन स्टार्ट्स, लेकिन ये थोड़ा सा धीरे होता है, ये क्या होता है थोड़ा सा दोस्तों धीरे होता है, स्टार्ट स्लोली, लेकिन जब तक ये आईजीजी एंटीबॉडी एक अच्छे अमाउंट में बनेगी तब तक वो जो बेबी जो होता है दोस्तों क्या हो जाता है, डिलीवर हो जाता है, बेबी क्या हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, सीधी सी बात ये लिख लो, तब तक क्या हो जाती है दोस्तों, डिलीवरी हो जाती है। इतनी अमाउंट के अंदर आईजीजी जो एंटीबॉडीज है वो बन नहीं पाती हैं, ठीक है, आईजीएम बन जाती हैं बट वो क्रॉस नहीं कर सकती।
आईजीजी बनने में थोड़ा टाइम लेती हैं, और वो जब तक बनती हैं, जब तक क्या हो जाती है दोस्तों, डिलीवरी हो जाती है। इसलिए ही कहते हैं कि जो फर्स्ट जो प्रेगनेंसी है वो क्या कहलाती है, सेफ कहलाती है, कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आईजीजी जो एंटीबॉडीज वो इतनी बनती ही नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके बाद में सेकेंड प्रेगनेंसी होगी। जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी उसमें भी अगर सेम केस हुआ कि बेबी जो है दोस्तों, मदर तो है ही, चलो वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि बेबी इज क्या हो गया दोस्तों, आरएच पॉजिटिव। अब बेबी क्या हुआ दोस्तों, आरएच पॉजिटिव हुआ, और इस दौरान बेबी के आरएच पॉजिटिव होने के कारण दोस्तों क्या होगा, पहले से क्या बनी हुई है दोस्तों, आईजीजी एंटीबॉडीज बनी हुई है, और ये आईजीजी जो एंटीबॉडीज हैं दोस्तों ये किसके खिलाफ बनी हुई है, आरएच फैक्टर के खिलाफ बनी हुई है, और आईजीजी एंटीबॉडीज किसको क्रॉस कर सकती है दोस्तों, प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है, तो क्रॉसेज द प्लासेंटा। तो ये प्लासेंटा को क्या कर सकती है दोस्तों, क्रॉस कर सकती है, तो ये प्लासेंटा को क्या कर देती है, क्रॉस कर देती है, और क्रॉस करने के कारण ये एंटर्स करती है, एंटर्स इनटू फीटल सर्कुलेशन, जो बच्चा है उसके सर्कुलेशन में क्या हो जाती है दोस्तों, ये एंटर हो जाती है। अब बच्चे के सर्कुलेशन में जब ये एंटर हो गई तो उसके बाद में दोस्तों ये क्या करती हैं, हीमोलाइसिस करती हैं। क्या करती हैं, हीमोलाइसिस, मतलब आरबीसी का क्या करने लग जाएंगी, ब्रेक डाउन करने लग जाएंगी, क्योंकि काम ही कहाँ पे करेंगी, ये आरएच एंटीजन पे, और आरएच जो एंटीजन है दोस्तों वो कहाँ प्रेजेंट है, आरबीसी की सतह पे प्रेजेंट है, तो ये आरबीसी के ऊपर काम करेंगी, और जब आरबीसी के ऊपर काम करेंगी तो दोस्तों क्या करने लग जाएंगी, ये हीमोलाइसिस करने लग जाती हैं। इसके कारण से सेकेंड बेबी के अंदर क्या होने लग जाता है दोस्तों, हीमोलाइसिस होने लग जाता है। ठीक है, दोबारा से एक बार थोड़ा सा सिंपल वे में मैं एक बार जल्दी जल्दी समझाता हूँ आपको, समझो, मदर आरएच नेगेटिव है, बेबी आरएच पॉजिटिव है, ठीक है, किसी भी कारण से अगर मिक्सिंग हुई ब्लड की, तो जो आरएच फैक्टर है वो मदर के ब्लड में क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है, उससे क्या होगा, इम्यून एक्शन स्टार्ट होगा बॉडी का मदर के अंदर, तो वो एंटीबॉडी स्टार्ट करेगी, पहले आईजीएम बनेगी लेकिन वो क्रॉस नहीं करती है, फिर धीरे धीरे आईजीजी बनती जाती है अमाउंट में, जब तक सफिशियंट अमाउंट नहीं बनती जो कि एक्शन परफॉर्म कर सके, तो जब तक क्या होता है दोस्तों, डिलीवरी हो जाती है। इसके बाद सेकंड जब होगी तो उसमें क्या होगा, ये आईजीजी जो एंटीबॉडीज है दोस्तों क्या कर जाती हैं, क्रॉस कर जाती हैं, क्रॉस करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये जैसे ही प्लासेंटा को क्या करती हैं दोस्तों, क्रॉस करती हैं, तो ये एंटर्स करती हैं इनटू फीटल सर्कुलेशन, और वहां पर पहुंचने के बाद ये आरबीसी के सरफेस पे पहुंचेंगी, क्यों, उस आरएच एंटीजन के खिलाफ काम करी, तो आरएच एंटीजन कहां प्रेजेंट है, आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है, और वहां जाकर क्या स्टार्ट कर देंगी दोस्तों, ये हीमोलाइसिस स्टार्ट कर देंगी। तो ये हीमोलाइसिस एकदम से स्टार्ट होता है, अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, एक्यूट हीमोलाइसिस, एक्यूट हीमोलाइसिस। अब इस हीमोलाइसिस के कारण क्या होगा दोस्तों, एनीमिया होगा, उसे हम एक्यूट हीमोलाइटिक एनीमिया बोलेंगे। इस एनीमिया को हम किस नाम से जानेंगे, एक्यूट हीमोलाइटिक एनीमिया। आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तो दोस्तों बिलीरुबिन की जो अमाउंट है वो और बढ़ेगी, जिसके कारण जो फीमेल है उसको क्या हो सकता है दोस्तों, सॉरी फीमेल बोल रहा हूँ, जिस कारण बच्चे को क्या हो सकता है, जॉइंटिस भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों धीरे धीरे क्या होगा कि जो आरबीसी है उनका ब्रेकडाउन हो गया, तो जो बॉडी दो है दोस्तों, जो बॉडी है वो ज्यादा से ज्यादा क्या बनाना चाहेगी दोस्तों, आरबीसी का फॉर्मेशन करना चाहेगी, तो इसके लिए, इसके कारण से ये लीवर और स्प्लीन पे क्या करेगी दोस्तों, प्रेशर कोज करेगी। स्टार्टिंग में स्प्लीन और जो लीवर है वो बनाते हैं, तो क्या होगा, हिपेटो स्प्लीनोमेगेली होगा, स्प्लीनोमेगेली, और लेटर ऑन क्या होगा, बोन मैरो पे प्रेशर पड़ेगा, तो हाइपरप्लेजिया ऑफ द बोन मैरो होगा, हाइपरप्लेजिया ऑफ बोन मैरो, क्योंकि जितनी टूट रही है भाई बॉडी को तो डिमांड चाहिए ना, बॉडी को आरबीसी चाहिए, तो आरबीसी कौन देगा, लीवर देगा, स्प्लीन देगा स्टार्टिंग में, बाद में कौन देगा, बोन मैरो देगा, तो स्टार्टिंग में तो क्या होगा, हिपेटो स्प्लीनोमेगेली होगा, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही उनकी साइज क्या होगी दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगी, तो हिपेटो स्प्लीनोमेगेली होगा, और बाद में क्या होगा दोस्तों, बोन मैरो होगा, तो बोन मैरो के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। अब जब आरबीसी नहीं रहेगा दोस्तों तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बेबी जो है दोस्तों किसकी तरफ बढ़ जाता है, आरबीसी की संख्या क्या होने लग जाएगी दोस्तों, बढ़ने लग जाएगी, क्यों, क्योंकि आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो तो क्या हो गया, बढ़ गया, इसे हम किस नाम से जानेंगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के नाम से जानेंगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के नाम से जानेंगे। ज्यादातर ये इमैच्योर रहती है, मैच्योर होने में टाइम ही नहीं मिल पाता, इतने में ब्रेक डाउन क्या हो जाता है इनका, स्टार्ट हो जाता है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बॉडी की डिमांड को पूरा करते करते हार्ट भी क्या हो जाता है दोस्तों, हार्ट फेलियर भी कंडीशन में चली जाती है, और फ्लूड का रिटेंशन भी होने लग जाता है, फ्लूड का क्या होने लग जाता है, रिटेंशन भी होने लग जाता है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम हाइड्रोप्स फिटेलिस के नाम से जानते हैं, इसे हम हाइड्रोप्स फिटेलिस के नाम से जानते हैं, तो ये सिम्टम भी देखने को मिलता है। चलो आगे आते हैं वापस से, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फिटस के तो मैंने आपको सारे लिखा दिए हैं, मदर के अंदर भी कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिल सकते हैं,
तो मदर के अंदर भी देखने को मिलते हैं, मेनली दो देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, PIAH हो सकता है मदर के अंदर और पॉलीहाइड्रोएमनियोज हो सकते हैं, पॉलीहाइड्रोएमनियोज, बस ये दो ध्यान रख लेना, मदर के अंदर PIAH हो सकता है और पॉलीहाइड्रोएमनियोज हो सकता है। फीटस के मैंने आपको सारे बता दिए। इसके बाद में दोस्तों इसका प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों कि 28 वीक के ऊपर हम क्या लगाते हैं, एंटी डी का इंजेक्शन लगाते हैं, और कितना लगाते हैं 300 माइक्रोग्राम। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब देखो टेस्ट, इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट दोस्तों, ये कोई भी मदर है वो उसके प्रति सेंसिटाइज है या नहीं है, किसके एंटीडी जो हम देंगे उसके प्रति क्या है दोस्तों सेंसिटाइज है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है मदर के अंदर, किसके अंदर, मदर के अंदर, बेबी के अंदर नहीं, मदर के अंदर, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये सेंसिटाइजेशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, सेंसिटाइजेशन ऑफ एंटीडी, कि एंटीडी जो है वो दोस्तों वो काम करेगा भी या नहीं करेगा, या उसके अंदर जो प्रेजेंट है भी नहीं है, जो RH कितनी ज्यादा एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, तो वो सब चीजों को जानने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इनडायरेक्ट जो कुंभ टेस्ट है वो करते हैं। किसका करते हैं, मदर का करते हैं। कब करते हैं, दो बार लगभग किया जाता है, पहली बार फर्स्ट जो एंटीनेटल विजिट होगी तब किया जाएगा, ज्यादातर ये क्वेश्चन नहीं आता है। दूसरा जो क्वेश्चन दोस्तों ये आता है कि कौन सी वीक पे किया जाता है, सेकंड टाइम ही किया जाता है 28 वीक के ऊपर। किसके ऊपर किया जाता है दोस्तों, 28 वीक के ऊपर ये किया जाता है कि सेंसिटाइजेशन है या नहीं है। दूसरा है एक सिंपल सा, बस एक लास्ट लाइन और पढ़ेंगे, डायरेक्ट कुंभ टेस्ट किस में किया जाता है, बस ये ध्यान रख लेना, ये बेबी के अंदर किया जाता है। बेबी के अंदर अगर हमें चेक करना हो दोस्तों कि कितनी एंटीबॉडीज बन गई हैं, कितनी क्रॉस कर गई हैं, तो उसको चेक करने के लिए, सेंसिटाइजेशन चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, डायरेक्ट कुंभ टेस्ट करते हैं। और मदर के अंदर पूछे तो कौन सा करते हैं दोस्तों, इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट करते हैं। चलो अपने वापस क्वेश्चन पे लोड किया जाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर हमें मिल गया है दोस्तों कि इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट के द्वारा हम सेंसिटाइजेशन चेक करते हैं, जो किस चीज़ में चेक करते हैं, RH इनकम्पेटिबिलिटी में, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हो सकता है, बेबी किस चीज़ के रिस्क पे होता है, एक्यूट हीमोलाइटिक एनीमिया के रिस्क पे होता है, इसलिए ये टेस्ट किया जाता है कि बेबी के अंदर कहीं ये न हो जाए, आगे जाके ये न हो जाए, कौन सा, एक्यूट हीमोलाइटिक एनीमिया नहीं हो जाए। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मैंने आपको कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं लिखाया, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डेफिशिएंसी नहीं लिखाया, फिजियोलॉजिकल नहीं होगा, अगर हाइपरबिलिरुबिनेमिया भी होगा दोस्तों तो वो कौन सा होगा, पैथोलॉजिकल होगा, ये डिजीज कंडीशन के कारण हो रहा है, न कि क्या है दोस्तों, नॉर्मल है। तो फिजियोलॉजिकल, बिलिरुबिन का लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा बढ़ना, जो मैंने जॉइंटिस में लिखा हुआ है आपको, वो हाइपरबिलिरुबिनेमिया कहलाता है, बट यहाँ पर फिजियोलॉजिकल लिखा हुआ है जो कि क्या है, पूर्णतया कंप्लीटली क्या है दोस्तों, गलत है, रॉन्ग है। तो क्या होगा सही, यहाँ पे सही यहाँ पे होगा दोस्तों, पैथोलॉजिकल, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट विल बी एक्यूट हीमोलाइटिक एनीमिया। चलो अब एक आंसर लिख लो, लिखो ऐसे लिखो, प्रेगनेंसी के दौरान 28वें वीक में फर्स्ट, तो वो सब आप बाद में लिख लेना, ये लिख लो 28वें वीक में इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट किया जाता है, इनडायरेक्ट दो बार किया जाता है, वैसे मैंने आपको बताया है वो भी ध्यान रख लेना, इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, क्योंकि पूरी लाइन लिखो, अगर मदर आर एच नेगेटिव और बेबी और फीटस आर एच पॉजिटिव हुआ तो फीटस एक्यूट हीमोलाइटिक एनीमिया के रिस्क पर होता है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों, खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 91। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 92 की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया हुआ है, पिछली जो क्लास थी दोस्तों उसमें हमने अल्कोहल के बारे में और इसके बारे में हमने क्या की थी दोस्तों, बात की थी, शायद आपको याद हो तो, कई चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई एयर ट्रैवल कर सकते हैं नहीं कर सकते, ट्रैवल कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्लोथिंग कैसी होनी चाहिए, रेस्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है, एक्सरसाइज जो है दोस्तों वो कैसी होनी चाहिए। तो एक्सरसाइज जो है दोस्तों वो 150 मिनट्स
पर वीक आएगा। कितना आएगा? 150 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए एक सप्ताह के अंदर, ध्यान रखना 150 मिनट होगी, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस ए नर्स कैन गिव टू ए प्रेग्नेंट वुमन इन हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, कि पहले ट्राइमेस्टर के अंदर जो एक नर्स है वो क्या एडवाइस दे सकती है किसको, एक प्रेग्नेंट वुमन को, एक प्रेग्नेंट वुमन को क्या एडवाइस दे सकती है। इसमें पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? पहला ऑप्शन ये लिखा हुआ है कि आप क्या करो, कम करो, कट डाउन ऑन ड्रग्स एल्कोहल एंड सिगरेट। कट डाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप ले तो सकते हो लेकिन थोड़ी सी अमाउंट को क्या करो, कम करो, बिल्कुल बंद करने के लिए नहीं कह रही। तो दोस्तों ये क्या है, गलत है। पिछली ही क्लास में मैंने आपको अच्छे से इसके बारे में बताया था, पूरी जो एंटीनेटल जो एडवाइसेज हैं वो सारी मैंने आपको एक जगह लिखाई थी, तो उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि कंप्लीटली पूर्णतया हम एकदम इसको क्या करते हैं दोस्तों, बंद करते हैं। ऐसे नहीं कि आप थोड़ा सा बंद करो मत करो, ये नहीं चलेगा, हम इसे कंप्लीटली बंद करते हैं तो कट डाउन से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा मैंने आपको ये भी लिखाया था दोस्तों कि जो स्मोकिंग जो होती है ना, स्मोकिंग होती है वो क्या कोज कर सकती है दोस्तों? स्मॉल बेबी कोज कर सकती है, और इसके अलावा क्या कोज कर सकती है? मिस कैरेज कोज कर सकती है, अबॉर्शन कोज कर सकती है। और जो एल्कोहल है उसके तो कई सारे सिंड्रोम होते हैं, लेकिन फिर भी मेन आप IUGR याद रख लो कि इंट्रूटेरिन ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो सकता है। एल्कोहल फीटल सिंड्रोम भी एक कंडीशन होती है, वो भी पाई जा सकती है। तो ये क्या हो गया दोस्तों? बिल्कुल क्या हो गया, फर्स्ट गलत हो गया, क्योंकि इसमें कट डाउन कहने के लिए क्या है, कट डाउन नहीं कहेंगे हम, कंप्लीटली इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे, बिल्कुल लेना ही बंद करेंगे बिल्कुल। सेकंड क्या दोस्तों? अवॉइड करेंगे ड्रग्स को एंड रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग एंड इंजेस्टिंग एल्कोहल। कि हम क्या कोशिश करेंगे दोस्तों, भाई ड्रग्स को बिल्कुल क्या करेंगे, हम अवॉइड करेंगे और रिफ्रेन करेंगे, बिल्कुल बंद करेंगे किससे, स्मोकिंग से और इंजेस्टिंग एल्कोहल को हम क्या करेंगे दोस्तों। तो ड्रग्स कम से कम लेनी चाहिए, ड्रग्स लेनी नहीं चाहिए, लेकिन ड्रग्स का मतलब मेडिसिन भी होता है, तो मेडिसिन लेंगे हम, लेकिन कोशिश करेंगे उसको क्या करने की, अवॉइड करने की, और बिल्कुल स्मोकिंग और अल्कोहल को हम क्या करेंगे दोस्तों, बिल्कुल बंद कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा, अभी तक तो यही दिख रहा है, अवॉइड ड्रग्स एंड रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग एंड इंजेस्टिंग अल्कोहल। चलो नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, अवॉइड स्मोकिंग, कि स्मोकिंग को अवॉइड करो, लिमिट करो अल्कोहल कंजप्शन एंड डू नॉट टेक एस्पिरिन। चलो ये ठीक है कि भाई आप एस्पिरिन मत लो, क्योंकि एस्पिरिन इज ऑल्सो ए NSAID, और NSAID जो ड्रग्स होती है वो कॉन्जेनिटल एनोमलीज कोज करती हैं, तो वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। ये वाली लाइन सही है, डू नॉट टेक एस्पिरिन, लेकिन यहाँ पर लिमिट अल्कोहल लिख दिया वापस से, भाई अल्कोहल के इनटेक को लिमिट करो, मतलब थोड़ा सा एक लिमिट में लो, कंट्रोल करो, कम करो। तो दोस्तों ये क्या हो गया, गलत हो गया। अवॉइड स्मोकिंग ठीक है, ये वाला सेंटेंस ठीक है, लेकिन बीच में ये जो एक छोटा सा सेंटेंस घुसा दिया कि आपको लिमिट करनी है एल्कोहल कंजप्शन, ये क्या है दोस्तों, गलत है। आपको लिमिट नहीं करनी, आपको कंप्लीटली रिफ्रेन करना है, उसको खत्म करना है, बिल्कुल लेना बंद करना है। टेक ओनली प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स स्पेशली इन द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअली में दोस्तों कोशिश करनी चाहिए कि जो ड्रग्स लेते हैं हम, वो कब लें, प्रेस्क्राइब ड्रग्स लें, लेकिन ये ज्यादातर सेकंड और थर्ड में नहीं होता, मेनली दोस्तों ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये एडवाइस हमें किस में देनी चाहिए थी, उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ऑर्गन्स का क्या होता है दोस्तों, फॉर्मेशन होता है। तो उस दौरान हमें ये बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान रखना कि हम कोई भी ऐसी ड्रग नहीं लें, क्योंकि बच्चे के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं और उस समय कॉन्जेनिटल एनोमलीज के जो चांसेस होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। ये बात सही तो है, लेकिन सबसे बेस्ट जो बात है इसमें वो ये आएगी, इसमें ये कह रहा है कि भाई प्रेस्क्रिप्शन ड्रग ले रही है, लेकिन बस यहाँ पर ये गलत लिख दिया कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं, आपको पूरी प्रेगनेंसी में ही ध्यान रखना है, और पूरी प्रेगनेंसी में भी दोस्तों सबसे ज्यादा किस में रखना है, आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर आएगा। वैसे पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ही आपको क्या लेनी है, प्रेस्क्राइब्ड ड्रग्स ही लेनी है, और स्पेशली इन किस में लेनी है दोस्तों, आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेनी है, इसलिए सेकेंड और थर्ड लिख दिया, ये क्या है दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलो लिख लो, देखो प्रेगनेंसी के दौरान एल्कोहल एंड स्मोकिंग को कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए, बंद ब्रैकेट में लिख लो रिफ्रेन,
क्योंकि वहां पर आपको रिफ्रेन दिखेगा, समझ जाओगे, रिफ्रेन कर देना चाहिए, क्योंकि कई बच्चों की हिंदी थोड़ी कमजोर है, दिक्कत हो जाएगी, रिफ्रेन कर देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 92 हो गया हमारा, इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 93, ड्यूरिंग ए रूटीन विजिट, एक रूटीन विजिट हो रही है दोस्तों, जो विजिट होती रहती है नॉर्मल जो विजिट है रूटीन है, तो रूटीन विजिट में क्या हो रहा है दोस्तों, टू द प्री नेटल क्लिनिक, वही प्रेगनेंसी के दौरान हो रहा है, तो प्री नेटल क्लिनिक में हो रहा है, टू द प्री नेटल क्लिनिक, एक क्लाइंट लिसन्स टू द फीटल हार्ट बीट फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको फर्स्ट टाइम क्या सुनाया गया दोस्तों, फीटल हार्ट बीट सुनाई गई, पहली बार उसको फीटल जो हार्ट बीट है दोस्तों वो सुनाई गई, द क्लाइंट कमेंटिंग ऑन हाउ रैपिड इट इज, क्लाइंट दोस्तों ये कमेंट कर रहा है कि तो तेज लग रही है मुझे, ये क्या लग रही है दोस्तों, तेज लग रही है, अपियर्स फ्राइटेंड डरा हुआ से लग रहा है, और एंड आस्क वेदर दिस इज नॉर्मल, वो थोड़ा सा डरा हुआ है, वो कह रहा है कि तो तेज है, बहुत तेज सुनाई दे रही है मुझे, तो और वो डर गया, मतलब वो जो फीमेल है वो डर गई कि यार इतनी तेज हार्ट बीट है, तो उसको क्या लगा कि जो मेरा बच्चा है वो नॉर्मल है भी या नहीं है, उसको मान लो बच्चे की जो हार्ट बीट है दोस्तों वो सुनाई गई, तो वो एकदम से डर गई कि तो तेज चल रहा है हार्ट बीट, क्या चल रही है, तेज चल रही है, कि मेरा बच्चा नॉर्मल है या नहीं है, आस्क वेदर दिस इज नॉर्मल, द नर्स शुड रेस्पॉन्ड द हार्ट रेट इज, तो नर्स को ये रेस्पॉन्ड देना चाहिए कि भाई जो बच्चों के अंदर हार्ट रेट क्या हो रही है दोस्तों, फीटस के अंदर रैपिड दिख रही है, तो नर्स को उसमें क्या क्या रेस्पॉन्स देना चाहिए आपको इसमें ये बताना है। तो ये क्या देगा, पहला कि दूसरे से शुरू करते हैं, यूजुअली रैपिड है एंड ट्वाइस द मदर्स पल्स रेट, कि भाई ये तेज होती है और जो मदर की जो पल्स रेट है दोस्तों उससे क्या होती है, ट्वाइस होती है, गलत है, क्या है दोस्तों, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई फिक्स ट्वाइस ही होगी, दूसरी बात हो सकता है कि मदर की जो हार्ट रेट है दोस्तों वो 90 हो और बेबी की कितनी होगी फिर 180 होगी, तो 180 तो क्या है, एबनॉर्मल है, जो मदर की मान लो कितनी है 70 है, उसकी 140 वो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन डबल होता है ये थोड़ी लिखा हुआ है कहीं पे, डबल नहीं होती है, ध्यान रखना डबल नहीं होती है, बढ़ी हुई जरूर रहती है लेकिन दोस्तों डबल नहीं होती है, क्या है, बिल्कुल गलत है, रैपिड होती है, बट उस नर्स उसको कह रही कि रैपिड है बट आई वुड बी मोर कंसर्न इफ इट इज वर्स स्लो, मैं ज्यादा ध्यान दूंगी जब ये क्या होगी, स्लो होगी, नहीं दोस्तों उस दौरान रैपिड ही होती है तो आपको स्लो पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, स्लो होगा तो फीटल डिस्ट्रेस को शो करेगा, हार्ट रेट उस दौरान फीटस की जो हार्ट रेट होती है दोस्तों वो क्या होती है, रैपिड ही होती है, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहे हैं, रैपिड बट इट अकोमोडेट्स द फीटस न्यूट्रिशनल नीड, कैसे तेज है लेकिन ये चीज दिखा रही है कि बच्चे की न्यूट्रिशन नीड कितनी है दोस्तों, तो फीटल हार्ट रेट ये चीज शो नहीं करती है कि बच्चे की जो न्यूट्रिशन जो नीड है दोस्तों वो कितनी है, इसलिए ये ऑप्शन में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बच्चे की हार्ट रेट से ये आपको पता नहीं चलेगा कि फीटस की जो न्यूट्रिशन नीड है उसकी जो न्यूट्रिशन की जो नीड है उस कितनी ज्यादा उससे जरूरत है या उसके अकॉर्डिंग बढ़ी है, इसमें ये बताना चाह रहा है कि न्यूट्रिशन नीड के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये बिल्कुल क्या कह रही है, वो बिल्कुल गलत बात कह रही है, ऐसा नहीं होता है, इसका इससे कोई रिलेशनशिप नहीं होता कि भाई न्यूट्रिशन नीड ज़्यादा होगी तो हार्ट रेट ज़्यादा होगी, न्यूट्रिशन नीड कम होगी तो कम होगी, ऐसे तो आप लोगों को भूख लग रही होगी और अगर आपको भूख लग रही होगी तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, भूख नहीं लग रही होगी तो आपकी हार्ट रेट कम हो जाएगी, तो ये तो दोस्तों क्या है, गलत बात है, ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं पाया जाता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जो कि मैंने आपको पहले छुड़वा दिया है, तो इसका मतलब ये था कि यही आंसर होगा, क्योंकि मानसून कई बार लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि यूजुअली रैपिड है, हाँ उसने कहा कि रैपिड होती है बट इन द एक्सपेक्टेड रेंज, कि जितने हमने सोचा है उसी रेंज के अंदर ये है, हम जानते हैं कि फीटस की जो हार्ट रेट है दोस्तों वो ज़्यादा होती है लेकिन नॉर्मल जितना एक्सपेक्ट किया है उसी रेंज में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फीटस की जो हार्ट रेट है दोस्तों वो कितनी होती है, तो 110 से लेकर और 160 बीट्स पर मिनट होती है, कुछ बुक्स में आपको 120 से 160 मिल जाएगा, वो गलत है दोस्तों, यही लिखो आप, 110 से और 160 बीट्स पर मिनट क्या होती है दोस्तों, फीटल हार्ट रेट होती है, फीटल हार्ट रेट 110 से और 160 बीट्स पर मिनट होती है, चलो लिख लो, बस सिंपल सी लाइन लिखनी है, सिंपल सी लाइन लिखो कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर बेबी की रैपिड फीटल हार्ट रेट के बारे में पूछे तो उसे बताना चाहिए कि यह रैपिड ही होती है, यह रैपिड ही होती है तथा
एक्सपेक्टेड रेंज 110 से 160 बीट्स पर मिनट होती है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते थे क्योंकि उसमें दे नहीं रखा था, बट मैंने आपको समझा दिया ये। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, और कई सारी चीजें हम इसमें देख लेते हैं एक बार। फिटल जो हार्ट रेट है ना दोस्तों, वो कितनी होती है? तो मैंने आपको बता दिया 110 से और 160 बीट्स पर मिनट होती है। ये मैं पूरा फिटल जो फिजियोलॉजी पूरा ही आपको इसमें समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि फिटस की कार्डियक एक्टिविटी पहली बार फर्स्ट टाइम कब सीन होती है, या हार्ट बीट उसकी फर्स्ट टाइम कब सुनाई देती है? तो ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन के 21वें दिन, और अगर फर्स्ट डे से पूछे या जेस्टेशनल एज पूछे तो 35वें दिन पे। फर्टिलाइजेशन की बात हो कौन से दिन? 21वें दिन। और अगर आपसे ये पूछे कि फर्स्ट डे ऑफ एलएमपीसी या जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग पूछे दोस्तों, तो क्या आएगा आपका? 35वां दिन आएगा। उस दौरान कार्डिक एक्टिविटी दिखाई देती है या हार्ट बीट सुनाई देती है। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड ले कि LS रेशो फॉर्मेशन, लेसिथिन और स्पिन जो माइलिन जो है दोस्तों, इनसे हमें ये पता लगता है कि जो फिटस जो है दोस्तों उसका जो लंग्स है वो मैच्योर हुए हैं या नहीं हुए हैं, उससे हम ये पता लगा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि लेसिथिन और स्पिन जो माइलिन का जो फॉर्मेशन है वो कब स्टार्ट होता है? तो ये 20वें से और 24वें वीक के बीच में स्टार्ट होता है। आपने अभी तक 24 ही पढ़ा है, मुझे पता है, ये बात मुझे पता है कि 24 है। आप ये मत सोचना सर 24 होता है, आपने तो 20 लिख दिया, लेकिन ये 20वें वीक से भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि 20 से और 24 ही लिखना है आपको, 20 नहीं लिखना है। ठीक है, तो 20 से और 24वें वीक में स्टार्ट होता है। और दूसरा ऑप्शन में अगर 20 और 24 दोनों आए ना तो भी आंसर 20 आएगा। मुझे पता है कि आपको सुनकर अचंभा हो रहा होगा, लेकिन ध्यान रखना ये बात सही है, फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप अच्छी बुक्स में अगर देखोगे तो आपको यही मिलेगा कि लेसिथिन और स्पिन जो माइलिन का जो रेशो है दोस्तों, जो का जो फॉर्मेशन है वो कब स्टार्ट हो जाता है, तो 20वें वीक से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 20 से और 24वें वीक के बीच में ही होता है। 1:1 कब हो जाता है? तो लगभग 28 वीक पे हो जाता है। और 2:1 कब हो जाता है दोस्तों? 34 वीक पे हो जाता है। और अगर ये 2:1 हो गया तो ये दिखाता है कि फिटस जो लंग्स है वो क्या हो गए दोस्तों? मैच्योर हो गए। और अगर ये नहीं हुआ दोस्तों इस दौरान भी, तो फिर हमें क्या देनी पड़ेगी? ड्रग देनी पड़ेगी। तो कौन सी ड्रग देते हैं? डेक्सामेथासोन। और अगर ये नहीं दे रखा ऑप्शन में तो बीटा मेथासोन। ये ड्रग ऑफ चॉइस है, दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस। क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रीथिंग मूवमेंट कब स्टार्ट होता है? तो ये 11वें वीक पे स्टार्ट हो जाता है। आप कहोगे सर ये भी अचंभे की बात है, लंग्स तो काम ही नहीं कर रहे, लेकिन दोस्तों फिर भी उनके ब्रीथिंग मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। तो चाहे गैसियस एक्सचेंज नहीं हो, लेकिन दोस्तों जो ब्रीथिंग जो मूवमेंट है वो 11 वीक से क्या हो जाते हैं? स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों? एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लूकागोन का जो फॉर्मेशन है वो कब स्टार्ट हो जाता है? तो लगभग 8वीं वीक पे ग्लूकागोन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो हॉर्मोन है उनका फॉर्मेशन 10वीं वीक पे स्टार्ट हो जाता है। थायरोक्सिन का जो फॉर्मेशन है वो लगभग दोस्तों आपका 11वीं वीक पे स्टार्ट हो जाता है। और इंसुलिन और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हॉर्मोन्स हैं उनका 12वें वीक पे स्टार्ट हो जाता है, 12 वीक। तो ध्यान रख लेना, ग्लूकागोन का 8 वीक, एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन का 10 वीक, थायरोक्सिन का 11 वीक, और इंसुलिन और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो हॉर्मोन्स हैं उनका 12 वीक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं वो कब अपीयर हो जाते हैं? तो ये 12 वीक आएगा। और सेक्स का डिटर्मिनेशन भी हम कब कर सकते हैं दोस्तों? वैसे इलीगल है, लेकिन फिर भी अर्लीस्ट अगर किया जाएगा तो इन्हीं को देखकर किया जाता है, तो ये 12 वीक पे ही किया जाता है। तो दोनों में ध्यान रखना, 12 वीक। इंटरनल जेनिटेलिया उससे भी पहले बन जाते हैं, एक्सटर्नल से भी पहले। जीआई ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो फीटस एमनियोटिक फ्लूड को स्वेलो करना कब स्टार्ट करता है? तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 10वीं से और 12वीं वीक के बीच में। और मैकोनियम का फॉर्मेशन लगभग कब स्टार्ट हो जाता है? तो लगभग 20वीं वीक पे मैकोनियम का जो फॉर्मेशन है दोस्तों वो क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। सारे हर एक सेंटेंस से क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर हम बात करें, लैन्यू को जो हेयर्स होते हैं दोस्तों वो कब बनना स्टार्ट हो जाते हैं? तो 16 वीक पे। और अगर पूछे वर्निक्स कैसियोसा या फिर स्किन का क्रेटिनाइजेशन कब स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, तो वो 20 वीक पे। ध्यान रखना, स्किन का क्रेटिनाइजेशन होने से क्या होता है दोस्तों? स्किन का क्रेटिनाइजेशन होने के कारण जो एमनियोटिक फ्लूड का फॉर्मेशन पहले क्या कर रही थी दोस्तों, स्किन कर रही थी, वो बंद कर देती है। इसलिए 20 वीक के बाद में कोई पूछे आपसे कि 20 वीक के बाद में
एमनियोटिक फ्लूड का फॉर्मेशन सबसे ज्यादा कौन करता है? तो फीटल यूरिन करता है, फीटस का यूरिन करता है। और आपसे कोई इसका रीजन पूछे कि क्यों करता है 20 वीक के बाद में, क्योंकि 20 वीक के ऊपर क्या हो जाता है, स्किन का केराटिनाइजेशन हो जाता है, तो उसके कारण स्किन नहीं कर पाती है, स्किन से बाहर निकलना बंद हो जाता है एमनियोटिक फ्लूड, तो कौन करने लग जाता है, फिर फीटस का यूरिन करने लग जाता है। इसी कारण अगर फीटस की किडनी से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर होगा तो उसके कारण से ओलिगोहाइड्रोएमनियोज देखने को मिल सकता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का, कि किडनी स्टार्ट यूरिन फॉर्मेशन लगभग कब कर देती है? दोस्तों तो लगभग 12 वीक के ऊपर किडनी यूरिन का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है। और अगर हम टर्म के ऊपर बात करें तो लगभग 600 से लेकर और 1200 ml तक यूरिन बनाना बेबी क्या कर देता है दोस्तों, स्टार्ट कर देता है। देख लो कितने क्वेश्चन हो गए। अब हम वापस आ जाते हैं, ये क्वेश्चन हमने पढ़ ही लिया है, बाकी की सारी चीजें मैंने आपको बताई दी है, तो हमारे क्वेश्चन हो गए हैं 93। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है दोस्तों कि व्हेन इन्वॉल्व्ड इन प्रीनेटल टीचिंग। वापस बार बार हमारे पास एक चीज आ रही है अभी, प्रीनेटल टीचिंग। ए नर्स शुड इन्फॉर्म क्लाइंट्स दैट देयर इज एन इंक्रीज इन वेजाइनल सीक्रेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से डिस्कस करना चाहता हूँ इसके बारे में, मैं आपको बताऊंगा मैं। देयर इज इंक्रीज इन वेजाइनल सीक्रेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉल्ड ल्यूकोरिया। ठीक है, देखो जब एक प्रीनेटल टीचिंग में नर्स पढ़ा रही है और वो बता रही है क्लाइंट को, क्या बता रही है कि प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइनल सीक्रेशंस क्या हो जाते हैं दोस्तों, इंक्रीज हो जाते हैं, और वेजाइनल सीक्रेशन का इंक्रीज होना क्या कहलाता है, ल्यूकोरिया कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में सिंपल से पूछा है कि इसका ल्यूकोरिया का कारण क्या है, इस ल्यूकोरिया का कारण क्या है। अगर आप डीसी दत्ता में जाके देखोगे ना, डीसी दत्ता में ल्यूकोरिया का कारण जो दिया गया है दोस्तों, वो आपको दिया गया है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि गलत है, ध्यान रखना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने के कारण कभी भी ल्यूकोरिया नहीं होता है। अगर आप विलियम्स ऑब्स्टेट्रिक्स में देखोगे तो विलियम्स ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर ये दे रखा है दोस्तों, विलियम्स ऑब्स्टेट्रिक्स में ये दे रखा है कि इसका जो रीजन है ना दोस्तों, वो क्या है, एस्ट्रोजन है। क्या है, एस्ट्रोजन है। कि ल्यूकोरिया का कारण क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले ल्यूकोरिया कारण क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। दूसरा मोस्वी के अंदर भी क्या दे रखा है दोस्तों, एस्ट्रोजन ही दे रखा है। तो डीसी दत्ता के अंदर वो चीज गलती से गलत लिख दी गई है, गलती से उनसे गलती हो गई, तो ध्यान रखना है आपको, वो ऑप्शन अगर आता है तो गलत है। तो ल्यूकोरिया का जो मेन रीजन होता है दोस्तों, वो क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्या काम करने लग जाता है दोस्तों, जो म्यूकोसल एपिथीलियम है उससे ज्यादा मात्रा में फ्लूड का क्या करवाने लग जाता है, सीक्रेशन करने लग जाता है। तो उसके कारण से क्या होने लग जाता है दोस्तों, फीमेल के अंदर वेजाइनल जो सीक्रेशन है वो बढ़ जाते हैं, और वेजाइनल सीक्रेशन का बढ़ना ही क्या कहलाता है दोस्तों, ल्यूकोरिया कहलाता है। और ल्यूकोरिया का रीजन क्या है दोस्तों, एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। अब इसमें दो ऑप्शन बाकी की क्या पढ़ोगे आप, मेटाबोलिक रेट होता है, नहीं, मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से कम होने से वेजाइनल सीक्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीक्रेशंस फ्रॉम द बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है, जैसे आप वेस्टिब्यूल देखते हो, जैसे वेजाइना देखते हो, ठीक है, वेजाइना के अंदर ट्रायंगल जो एरिया है दोस्तों, ये वेस्टिब्यूल कहलाता है। तो इसके अंदर आप ये देखते हो कि ये यूरेथ्रल ओरिफिस है, ये वेजाइनल ओरिफिस है, तो यूरेथ्रल ओरिफिस के दोनों तरफ स्किनीज ग्लैंड पाई जाती है, और यहाँ पर क्या पाई जाती है दोस्तों, आपकी बार्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है। तो बार्थोलिन ग्लैंड से होने वाला जो सीक्रेशन है दोस्तों, वो ये नहीं होता है, ध्यान रखना, बार्थोलिन ग्लैंड से होने वाला सीक्रेशन जो है वो ल्यूकोरिया कोज नहीं करवाता है। इसके बाद सप्लाई ऑफ सोडियम क्लोराइड टू द वेजाइनल सेल, कि वेजाइनल जो सेल्स होती हैं उनसे जो सोडियम क्लोराइड की जो सप्लाई है ना, वो बढ़ जाती है, उसके कारण से हो जाता है। तो वो भी क्या है दोस्तों, गलत रीजन है। मेन रीजन हार्मोनल है, हार्मोनल के कारण ग्रोथ बढ़ती है और उसके कारण सीक्रेशन बढ़ते हैं, और वो हार्मोन कौन सा होता है दोस्तों, एस्ट्रोजन होता है। तो इसका आंसर जो होगा, दैट विल बी एस्ट्रोजन। तो लिख लो, मैंने आपको कंफ्यूजन भी आपको दूर कर दिया। आप मुझे पता है बुक में देखोगे, आप कहोगे सर यहाँ तो प्रोजेस्टेरोन लिखा हुआ है, तो ये मैंने अच्छे से आपको बता दिया। विलियम्स ऑब्स्टेट्रिक्स की बुक को आप देख सकते हो, उसमें आपको ये मिल जाएगा। लिखो, बस एक लाइन लिखो इसमें, तो प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले ल्यूकोरिया का कारण एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले ल्यूकोरिया का कारण एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है देखते हैं।
एक क्लाइंट हु इज 28 वीक, 28 वीक की क्या है दोस्तों, उसको प्रेगनेंसी है। एक पेशेंट है या एक क्लाइंट है आपके सामने जो कि जिसको 28 वीक की क्या है दोस्तों प्रेगनेंसी है, इनटू हर सेकंड प्रेगनेंसी, उसकी प्रेगनेंसी भी कौन सी है, दूसरी प्रेगनेंसी है, इज एक्सपीरियंसिंग इंक्रीजिंग एडिमा इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो उसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, जो एडिमा है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर क्या हो रही है दोस्तों, इंक्रीज हो रही है। द नर्स एडवाइज रेस्ट, नर्स उसको क्या एडवाइस करती है, रेस्ट एडवाइस करती है, और क्या एडवाइस करती है, लेग एलिवेशन एंड प्रोवाइड्स डाइटरी इंस्ट्रक्शन। डाइटरी इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि नॉर्मल सोडियम लेना है आपको, सॉल्ट बंद नहीं करना है आपको, कई बार सॉल्ट बंद कर देते हैं तो वो चीज़ क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए रेस्ट होता है और लेग एलिवेशन होता है, मैंने आपको कल ये पढ़ाया हुआ भी है, अच्छे से आपने देखा होगा कि मैंने ये यहाँ पे लिखाया हुआ भी है। व्हाट एल्स शुड द नर्स सजेस्ट, कि नर्स को और क्या सजेस्ट करना चाहिए। पहला दूसरा, ए प्रेफर्ड डाइट विल इंक्लूड फेवरेट फूड, कि एक ऐसी डाइट इंक्लूड करो जिसमें उसके क्या हो दोस्तों, फेवरेट फूड हो, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। उसका जो फेवरेट फूड जो है दोस्तों वो बर्गर हो सकता है, ठीक है, कोई भी सोल्टी फूड हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे जो फूड होंगे, मान लो बर्गर तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन जैसे सोल्टी जो भी फूड होंगे वो और ज़्यादा बढ़ाएंगे सोडियम को, सोडियम से वाटर का रिटेंशन और ज़्यादा होगा, और अगर वाटर का रिटेंशन और ज़्यादा होगा दोस्तों तो और ज़्यादा एडिमा क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हमें पेशेंट का कोई भी फेवरेट फूड नहीं देखना है, हम उसके क्या करेंगे, उसके जो कल्चरल बैकग्राउंड है, कैसा फूड खाता है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसे पिछले 3 दिन के अंदर जो खाना खाया है उसके बारे में पूछेंगे। एक क्वेश्चन आपने देखा होगा ये, उनको ऐसे रिपीट कर लिया करो, अगला क्वेश्चन फूड से रिलेटेड आए तो उसको रिपीट कर लिया करो, तो उससे हमें पता लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी डाइट बना देंगे। ठीक है, तो फेवरेट फूड इंक्लूड करना क्या नहीं है दोस्तों, जरूरी नहीं। उसमें भी पहला ऑप्शन ऐसा ही था कुछ उस क्वेश्चन में भी, कि भाई वो खुद जो खाती है उसको कंटिन्यू करना चाहिए रेगुलर डाइट को, तो रेगुलर डाइट नहीं कंटिन्यू करना, हो सकता है कि वो डाइट अच्छी नहीं ले रही हो, तो यहाँ पर भी सेम यही है। तो ये चीज़ तो हम वैसे भी क्या नहीं करेंगे दोस्तों, सजेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा दोस्तों, एक न्यूट्रिशनिस्ट शुड बी इन्वॉल्व्ड इन दिस प्लानिंग ए डाइट, वह न्यूट्रिशन की क्या जरूरत है, एक ये इतनी कोई स्पेशल डाइट नहीं होती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो हम भी क्या है इसके लिए दोस्तों कैपेबल हैं, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि डाइट को सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा प्लान किया जाए, एक न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा क्या किया जाए, प्लान किया जाए, तो ये भी क्या है दोस्तों, गलत है। नेक्स्ट, द फूड सिलेक्टेड डू नॉट नीड टू हैव ए लो सॉल्ट कंटेंट, किसी ने बताया होगा नमक कम खाओ, तो दोस्तों इसमें साफ दे रखा है कि जो भी फूड आप सेलेक्ट करो ना उसमें कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए उसकी सॉल्ट का जो कंटेंट है वो लो हो, बिल्कुल सही बात है, लो नहीं होना चाहिए, बल्कि दोस्तों क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल जो कंटेंट है दोस्तों वो क्या होना चाहिए, होना चाहिए नॉर्मल सॉल्ट होना चाहिए, नॉर्मल सोडियम क्लोराइड होना चाहिए, लो होने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जो भी फूड सेलेक्ट किया जाएगा उसमें लो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो सही बात है, लो नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है भाई SCP के पास भेज दो, तो ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं कि उसे हम SCP के पास क्या करें, क्योंकि एडिमा जो होती है दोस्तों पैरों के अंदर जो होती है वो फिजियोलॉजिकल एडिमा होती है, तो फिजियोलॉजिकल एडिमा के लिए हम SCP के पास भेजने का हमें कोई यहाँ पे फायदा नहीं है। ये जो एडवाइस है ये हम खुद भी दे सकते हैं, हमें नए न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत है यहाँ पे, नए हेल्थ केयर प्रोवाइडर की जरूरत है, दोनों ऑप्शन इसलिए क्या हो गए, गलत हो गए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3, उसे मैंने लिखा देता ना, हाँ ठीक है, लिखो प्रेगनेंसी के दौरान लोअर एक्सट्रीमिटीज में एडिमा देखने को मिल सकती है, लेकिन इस कारण सॉल्ट का इंटेक कम नहीं करना चाहिए, मतलब नॉर्मल करना चाहिए, न बढ़ाना चाहिए न कम नहीं करना चाहिए, सॉल्ट का इंटेक कम नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट जो दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन है वो क्या है, कि व्हाट रिकमेंडेशन शुड ए नर्स गिव टू द क्लाइंट्स हु हैव फ्लूइड रिटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दोस्तों प्रेगनेंसी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन होता है, ये फिजियोलॉजिकल होता है, हम भी जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान लगभग 6.5 लीटर जो फ्लूइड है दोस्तों वो क्या होता है, रिटेन होता है। मैंने यहां तक आपको समझाया हुआ है कि दोस्तों ये फ्लूइड रिटेंशन जो है ये हीमोडाइल्यूशन कोज करवाता है, जो कि बॉडी के लिए लाभदायक है, यूजफुल है, बेनिफिशियल है, क्यों है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है,
कि भाई गैसियस जो एक्सचेंज उसको क्या करता है दोस्तों, प्रोमोट करता है, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम के चांसेस को भी क्या करता है, ये कम करता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों फ्लूड रिटेंशन होता है, तो क्या एडवाइस देनी चाहिए कि भाई आप फ्लूड इनटेक को कम कर दो? नहीं, अगर आप दोस्तों फ्लूड इनटेक को क्या करोगे दोस्तों, कम करोगे, तो उसकी बॉडी को तो वैसे ही फ्लूड रिटेंशन होना चाहिए, नॉर्मल होता है ये। तो जो बॉडी की जो वाटर जो डिमांड है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, उसके हाइड्रेशन जो लेवल जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए हम फ्लूड इनटेक को कम नहीं करेंगे, फ्लूड इनटेक को हम क्या नहीं करेंगे दोस्तों, कम नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, मेंटेन ए लो सोडियम डाइट, बिल्कुल गलत। लो सोडियम डाइट क्यों देंगे भाई, नॉर्मल सोडियम डाइट देंगे। कई बार बता दिया आपको कि सोडियम को कम करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा दोस्तों, आस्क द हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर ए डायूरेटिक। भाई फ्लूड रिटेंशन जब नॉर्मल है तो क्या आपको डायूरेटिक देने की जरूरत है? डायूरेटिक से क्या होगा, डायूरेटिक देगा यूरिन फॉर्मेशन इंक्रीज होगा और जिससे जो एक्स्ट्रा जो फ्लूड है वो बाहर निकल जाएगा, तो डायूरेटिक देने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो दोस्तों फ्लूड रिटेंशन हो उसके कारण बस इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन यहाँ पर हमको मिल रहा है कि एलिवेट करना चाहिए किसको, लोअर एक्सट्रीमिटीज को। लोअर एक्सट्रीमिटीज को क्या कर देंगे, एलिवेट कर देंगे, तो उससे थोड़ा सा फ्लूड रिटेंशन क्या होगा दोस्तों, उसके कारण जो स्वेलोइंग या फिर जो एडिमा जो आती है दोस्तों वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और वेनस रिटेंशन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, तो उससे फ्लूड रिटेंशन के जो ऐसे सिम्टम्स जो हमें परेशान करते हैं वो नहीं आएंगे, और वैसे फ्लूड रिटेंशन बॉडी के अंदर नॉर्मल होता ही है, फिजियोलॉजिकल होता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट विल बी थर्ड। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है कि ए 30, इसमें लिखा नहीं ना, लिख लो। वैसे इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, ये ऑप्शन भी थोड़ा सा अलग है इसका, लेकिन इसमें इन चार ऑप्शन में यही राइट आंसर होगा, लिख लो। प्रेगनेंसी के दौरान फ्लूड रिटेंशन होना नॉर्मल है, फ्लूड रिटेंशन होना नॉर्मल या फिजियोलॉजिकल है, होना नॉर्मल या फिजियोलॉजिकल भी लिख सकते हो आप, नॉर्मल है। इसके इफेक्ट को कम करने के लिए लोअर एक्सट्रीमिटीज को एलिवेट करना चाहिए। लोअर एक्सट्रीमिटीज को क्या करना चाहिए दोस्तों, एलिवेट करना चाहिए, एलिवेट द लोअर एक्सट्रीमिटीज। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने हुआ 97। देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में, एक 36 ईयर ओल्ड मल्टीग्रेविडा, ठीक है, मल्टीग्रेविडा है ये, एक से ज्यादा प्रेगनेंसी है, एक भी नहीं है तो नली ग्रेविडा हो गया, पहली बार है तो प्राइमरी ग्रेविडा हो गया, ठीक है, तो ये मल्टीग्रेविडा है। 14 वीक्स की उसकी क्या है दोस्तों, जेस्टेशन है। इज शेड्यूल्ड फॉर अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट। कौन से प्रोटीन के टेस्ट करवाने के लिए आई है दोस्तों, वो अल्फा फीटोप्रोटीन की टेस्ट करवाने के लिए आई है। सी आस्क द नर्स व्हाट डज द अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट इंडिकेट, कि अल्फा फीटोप्रोटीन जो टेस्ट है दोस्तों वो क्या इंडिकेट करता है, तो जो नर्स उसको क्या आंसर देना चाहिए कि अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट क्यों करवाते हैं। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, भी अच्छी नॉलेज देगा हमें ये और इंपॉर्टेंट भी है, कई सारी चीजें हम इसमें पढ़ सकते हैं। अल्फा फीटोप्रोटीन जो टेस्ट है, सबसे पहले हम अल्फा फीटोप्रोटीन की बात करते हैं दोस्तों कि अल्फा फीटोप्रोटीन किसके द्वारा बनाया जाता है। तो इनिशियली जो अल्फा फीटोप्रोटीन है दोस्तों वो योक सैक बनाता है, कौन बनाता है, योक सैक बनाता है, योक सैक। लेकिन आगे आगे जैसे योक सैक से स्ट्रक्चर बनती है, तो बाद में योक सैक से क्या बन जाएंगे, ऑर्गन्स बनेंगे। तो ऑर्गन्स बनने से दोस्तों जो अल्फा फीटोप्रोटीन है दोस्तों वो कौन बनाने लग जाता है, आपका जीआई ट्रैक्ट एंड लीवर बनाने लग जाता है। ध्यान रखना, जीआई ट्रैक्ट और जो लीवर है दोस्तों वो क्या बनाने लग जाता है, आपका अल्फा फीटोप्रोटीन बनाने लग जाता है। तो शुरू में योक सैक बनाता है, बाद में ये बनाता है, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा फीटोप्रोटीन यहाँ पे डिक्रीज्ड अल्फा फीटोप्रोटीन है। तो अल्फा फीटोप्रोटीन अभी देखा हमने किसमें कम मिलता है, डाउन सिंड्रोम में कम मिलता है, थोड़ा सा लिख लेना। इसके अलावा जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक
ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, नियोप्लेजिया में कब मिलता है, फीटल डेथ में भी, नियोप्लेजिया, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल इसी का एक एग्जाम्पल होता है ना, एक फीटल डेथ। और इंक्रीज जो है दोस्तों, तो वो अभी हमने देखा है किसमें मिलता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में मिलता है। इसके अलावा पीआईएच में भी मिलता है, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज में भी मिलता है, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज, ठीक है, एबरेप्टिव प्लासेंटा में भी मिलता है, एबरेप्टियो प्लासेंटा। ज्यादा याद नहीं हो ना तो दो तो याद रख लेना, मुझे पता है आपको ज्यादा याद नहीं होंगे, आप परेशान हो जाओगे सर इतने तो याद नहीं हो पाते हैं, तो दो तो याद रख लेना कम से कम, एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और इधर डाउन सिंड्रोम, बस। और मत याद रखो कि किसमें कम होता है किसमें बढ़ता है, तो एल्फा-फेटो प्रोटीन याद करना तो बिल्कुल सिंपल है, डाउन है तो कम हो गया, ठीक है, और इधर दूसरा जो है उसमें बढ़ जाएगा, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है, इसमें कम हो जाता है। मैटरनल सीरम एल्फा-फेटो प्रोटीन भी होता है, और जो फीटस का जो सीरम है दोस्तों वो अल्फा फीटो प्रोटीन होता है। लगभग 13 वीक तक तो जो फीटस सीरम प्रोटीन है वो बढ़ता रहता है, और 13 वीक के बाद में जो मैटरनल सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन है दोस्तों वो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, लिखना कोई जरूरी नहीं है, वैसे आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको ये बता रहा था। तो वापस से अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, अगर इसमें ऑप्शन होता कि अल्फा फीटो प्रोटीन टेस्ट, अगर इसमें ऑप्शन में डाउन सिंड्रोम होता तो दोस्तों हम वो भी करते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डाउन सिंड्रोम ऑप्शन में कहीं दे ही नहीं रखा, हमें किडनी डिफेक्ट दे रखा है कि अल्फा फीटो प्रोटीन किडनी डिफेक्ट में देखते हैं कि, तो कहीं मैंने आपको बताया नहीं, कार्डियक एनोमलीज कहीं आपको बताई नहीं, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर बताया नहीं, तो मेन क्या होता है दोस्तों इसका आंसर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अगर ऑप्शन में मैं आपको पहले बता रहा हूँ डाउन सिंड्रोम होता तो वो भी क्या होता, सही आंसर होता, क्योंकि वो तो हम कईयों में कर रहे हैं, हम ट्रिपलेट टेस्ट भी इसलिए कर रहे हैं, क्वाड्रिपल जो टेस्ट है वो भी कर रहे हैं, क्वाड टेस्ट बोलते हैं इसको, वो भी इसलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 97 में लिख लो, लिखो एल्फा फीटो प्रोटीन टेस्ट, एल्फा फीटो प्रोटीन टेस्ट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डिफेक्ट तथा डाउन सिंड्रोम के लिए, डाउन सिंड्रोम को की जांच के लिए किया जाता है, की जांच के लिए, दोनों लिखा देता हूं मैं, के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 हो गया हमारा, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है, एक क्लाइंट इज स्क्यूल फॉर ए नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है, इसके अंदर जो टेस्ट जो दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट दे रखा है। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। इन द 37th वीक ऑफ जेस्टेशन ए नर्स एक्सप्लेन द प्रोसीजर, उसमें नर्स क्या करती है, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करती है। विच स्टेटमेंट डेमोन्स्ट्रेट दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड द टीचिंग, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इससे आप ये मानोगे कि जो क्लाइंट है दोस्तों वो इसको क्या कर गया है, समझ गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, फिर बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे। नॉन स्ट्रेस टेस्ट दोस्तों दो टेस्ट होते हैं, एक नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है और एक होता है कार्डियोटोकोग्राफी, कार्डियो टोकोग्राफी। थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस बताना चाहता हूं आपको। नॉन स्ट्रेस का मतलब दोस्तों कोई स्ट्रेस ही नहीं है। स्ट्रेस कब आता है मदर को, सबसे ज्यादा लेबर के दौरान आता है, क्योंकि लेबर के दौरान क्या होते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं। तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो है दोस्तों वो प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है, न कि लेबर के दौरान। जबकि कॉन्ट्रैक्शन या कार्डियोटोकोग्राफी जो है दोस्तों वो कब किया जाता है, लेबर के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है, लेबर के दौरान किया जाता है। तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट प्रेगनेंसी के दौरान, और जो कार्डियोटोकोग्राफी है दोस्तों वो लेबर के दौरान किया जाता है। लगभग प्रेगनेंसी के दौरान भी 30 वीक के बाद ही करते हैं हम। नॉन स्ट्रेस टेस्ट कब करते हैं, 30 वीक के दौरान ही हम इसको, 30 वीक के उसके बाद ही हम क्या करते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो हम बात करते हैं पर नॉन स्ट्रेस टेस्ट की। नॉन स्ट्रेस टेस्ट में हम कुछ नहीं करते, सिंपल सा दोस्तों, हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट के अंदर फीटल जो हार्ट रेट है दोस्तों वो क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, मॉनिटर करते हैं। साथ में हम फीटल के जो मूवमेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं, फीटल के जो मूवमेंट्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें मॉनिटर कर सकते हैं। फीटल के मूवमेंट्स ऐसे नहीं है कि वो सीधा कोई ऐसा मॉनिटर, हम कोई ऐसा मॉनिटर जो बता देगा कि भाई फीटल ने क्या क्या मॉनिटर किया, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो मदर जो है दोस्तों वो लेटी रहती है, या मान लो बैठी हुई है, मदर है ये मदर है, ये बैठी हुई है,
तो इसके हाथ के अंदर हम क्या करते हैं, अरे यार इतना खतरनाक चित्रकार हूं मैं, पेंटर हूं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसके हाथ में दोस्तों हम एक बटन दे देते हैं। वो बटन क्या काम करता है दोस्तों, कि वो बटन ये बता देता है उसको, उसको कहते हैं हम कि जब भी आपको फीटल मूवमेंट क्या हो दोस्तों, फील हो, तो उस दौरान बस इस बटन को क्या कर देना, प्रेस कर देना। तो मॉनिटर ने इसको पहचाना नहीं है, कोई भी मॉनिटर ऐसा नहीं है जिसने पहचाना है कि भाई फीटल ने मूवमेंट किया। कौन पहचान रही है, खुद मदर। मदर उसको क्या कर देगी, प्रेस कर देगी। तो उसको प्रेस करने से क्या होगा उसके बारे में आपको अभी बताऊंगा। एक्चुअली में फीटल हार्ट रेट को हम क्या करते रहेंगे दोस्तों, मॉनिटर करते रहेंगे। तो जैसे ईसीजी आती रहती है ना, वैसे ही फीटल जो हार्ट रेट है दोस्तों वो आती रहती है। फीटल हार्ट रेट क्या होती है दोस्तों, वो इस प्रकार से आती रहती है। और मदर जैसे ही मूवमेंट करेगी, तो जिस पल पे मान लो आपने टेस्ट 20 मिनट के लिए किया, कितने मिनट के लिए किया दोस्तों, 20 मिनट के लिए। यूजुअली ये टेस्ट 20 ही मिनट के लिए किया जाता है। तो उस 20 मिनट में मदर को जहां भी फीटल मूवमेंट क्या हुआ दोस्तों, फील हुआ, तो वो मदर जैसे ही प्रेस करेगी, तो इस स्ट्रिप के अंदर ऊपर की तरफ फीटल हार्ट रेट रहते हैं, यहाँ पर क्या बन जाते हैं दोस्तों, एरो बन जाते हैं। यहाँ पर क्या बन जाते हैं दोस्तों, एरो बन जाते हैं इस प्रकार से। तो उस 20 मिनट के अंदर, जैसे मान लो कि हम एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा दूं, कि जैसे मान लो 5 बजे स्टार्ट किया टेस्ट, तो ये 5 हो गया, 5 बजकर फिर 5 हो गया, फिर मान लो 5 बजकर 5 मिनट हो गई, 5 बजकर 5 मिनट हो गई, फिर 5 बजकर 10 मिनट हो गई, ठीक है, 5 बजकर 15 मिनट हो गई, और ये 5 बजकर 20 मिनट हो गई। तो जैसे मान लो मदर को फील हुआ मूवमेंट, हमें ये पता है कि भाई ऐसे टेस्ट चल रहे हैं, 12 लिख दिया मैंने, सॉरी 5 बजकर 20 मिनट हो गई। तो जैसे ही मान लो हमें पता लगा, तो मदर को पता लगा, उसने प्रेस किया 5 बज के 5 मिनट पर, उसको एकदम से फीटल मूवमेंट फील हुआ, तो बस वो मशीन क्या काम करती है, कुछ नहीं करती। जहां पर वो मदर प्रेस करेगी ना, वहां पर एक एरो कर देगी, ताकि आपको उससे दोस्तों पता लग जाए कि भाई जब फीटल मूवमेंट हुआ था ना, उस दौरान हार्ट रेट पे क्या फर्क पड़ा था। जैसे दोबारा से 5-15 फील हुआ, फील होते ही वहां पर वो एरो आ जाएगा। तो मशीन कोई मॉनिटर नहीं कर रही है उसके मूवमेंट्स को, खुद मदर कर रही है, बस मशीन ये काम कर रही है, उसको इंडिकेट कर देती है कि भाई उस टाइम को, जैसे टाइम 5-15 चल रहा है, उस दबाया दबाते ही वहां पर 5-15 पे वो एरो दिखा देगी। तो भाई आप खुद देख लेना आगे कि इस दौरान क्या हुआ था, मैं तो ये बता रही हूँ कि यहाँ पर किसी ने हमें एक्शन दिया है कि यहाँ पर फिटल मूवमेंट हुआ था, तो वो उस एरो आ जाते हैं नीचे। तो ये बताना चाह रहा हूँ कि मूवमेंट कोई वैसे नहीं आते हैं, पहली चीज ये सिंपल वे है जो मेरे को समझाने का, मैंने आपको समझाया। दूसरा दोस्तों, इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, फीटल हार्ट रेट चेक करेंगे। तो नॉर्मल जो फीटल हार्ट रेट जो होती है दोस्तों, वो 110 से और 160 बीट्स पर मिनट होती है। 110 से और 160 बीट्स क्या होती है दोस्तों, पर मिनट होती है। अब क्या होता है, कुछ चीजें बताना चाहता हूं आपको मैं, कि एक तो क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो देखो जब आप नॉन स्ट्रेस टेस्ट करो, तो एक तो फीटल हार्ट रेट जो होती है दोस्तों, वो क्या आनी चाहिए, नॉर्मल आनी चाहिए। देखो जो चीज आप पढ़ते हो ना, वो तो मैं आपको बताऊंगा, ये भी एक्सीलरेशन है उनके बारे में बताऊंगा, मैं आपको डेसीलरेशन के बारे में बताऊंगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेन जो चीज है ना, और भी क्या क्वेश्चन बन सकता है, भाई आप क्या क्या देख सकते हो नॉन स्ट्रेस टेस्ट में। तो एक तो फीटल हार्ट रेट को देखोगे, अगर फीटल हार्ट रेट 110 से कम है या 160 से ज्यादा है दोस्तों, तो वो फीटल डिस्ट्रेस को क्या करेगा, शो करेगा। 110 से अगर कम हो रही है फीटल हार्ट रेट, या फिर 160 से क्या है दोस्तों, ज्यादा दिखा रही है, तो ये शो करेगा कि जो फीटस है वो दोस्तों किसके अंदर है, डिस्ट्रेस के अंदर है। दूसरी चीज दोस्तों, ये फीटल जो हार्ट रेट है, ये सोचो कि मैंने अभी जब इसको बनाया, इसको जब मैंने अभी बनाया, तो इसको मैंने ऐसा नहीं बनाया, सीधी लाइन। फीटल हार्ट रेट मान लो उसकी 120 है, तो सीधी रहनी चाहिए ना। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, फीटल की हार्ट रेट कंटिन्यूअस क्या होती रहती है दोस्तों, चेंज होती रहती है। फीटस की हार्ट रेट कंटिन्यूअस क्या होती रहती है दोस्तों, चेंज होती रहती है। कैसे चेंज होती रहती है, एग्जांपल के लिए समझो, कभी 120 हो जाएगी, फिर 125 हो जाएगी, फिर 130 हो जाएगी, फिर 120 हो जाएगी, 122 हो जाएगी, 126 हो जाएगी, 130 हो जाएगी। तो इस प्रकार से कंटिन्यूअसली फीटल की जो हार्ट रेट है दोस्तों, वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम बीट टू बीट वेरिएबिलिटी के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, बीट टू बीट वेरिएबिलिटी, की हर बीट के साथ में, हर बीट के साथ में दोस्तों उसकी जो बीट है, उसकी जो पल्स है, उसकी जो हार्ट रेट है, वो क्या हो रही है दोस्तों, चेंज हो रही है। इसलिए ध्यान रखना, बीट टू बीट वेरिएबिलिटी का भी प्रेजेंट होना क्या है दोस्तों, जरूरी है। ऐसे नहीं है अगर फीटल हार्ट रेट 125 पर ही रुकी हुई है ना दोस्तों, मतलब कि बीट टू बीट वेरिएबिलिटी नहीं है, तो ये भी किस चीज को शो करेगा दोस्तों, ये भी फीटल डिस्ट्रेस को क्या करेगा, शो करेगा। तो ध्यान रखना, बीट टू बीट वेरिएबिलिटी भी क्या है, नॉर्मल है। अब इसका भी एक लेवल है, ऐसे नहीं है कि 110 थी और उससे सीधा 160 चलेगी और आप कहोगे सर बीट टू बीट वेरिएबिलिटी तो बताया आपने, बताया कि सेम नहीं रहनी चाहिए, 110 नहीं है ये तो 160 है, तो ये तो सही हो गई। तो दोस्तों ये भी क्या है, गलत है। बीट टू बीट वेरिएबिलिटी के बारे में बताया गया है कि ये सिर्फ 5 से और 25 बीट्स तक हो सकती है चेंज, ठीक है, ऐसे इतना अंतर होना चाहिए भाई, 5 का अंतर हो सकता है, 5 से लेकर और 25 तक का अंतर हो सकता है 1 मिनट के अंदर,
एक मिनट का जो टाइम पीरियड है उसमें ऐसा नहीं है कि, एक तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई पांच से भी कम हो। कैसे? आपने पूरी एक मिनट हार्ट रेट देखी और उस पूरे एक मिनट के अंदर 120 से 121 हुई, फिर 122 हुई, फिर 121 हुई, फिर 120 हुई, फिर 123 हुई, मतलब पांच से भी कम में चेंज हुई ना। लेकिन कम से कम पांच तो कम से कम चेंज होनी ही चाहिए दोस्तों, और 25 मैक्सिमम, 25 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि आपके हार्ट बीट बेबी की जो फिटल जो हार्ट रेट है वो 120 आ रही थी और 120 से सीधा 160 चली गई और आपको अभी नॉर्मल है। नहीं, इतनी ज्यादा भी वेरिएबिलिटी नहीं आनी चाहिए। तो बीट टू बीट वेरिएबिलिटी तो क्या है दोस्तों, नॉर्मल है, वो प्रेजेंट होनी चाहिए, और वो कितनी होनी चाहिए, 5 से और 25 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए। इससे ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। एक मिनट के अंदर बीट के अंदर 5 से लेकर 25 तक का अंतर आ सकता है, 5 से लेकर 25 तक, कम से कम 5 का तो आना ही आना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 25 का अंतर आना चाहिए एक मिनट के अंदर। ऐसे नहीं है कि 25 से भी ज्यादा अंतर चला गया, ठीक है। जैसे मान लो कि 110 थी तो 110 से 120 हो सकती है, 130 हो सकती है और 135 तक हो सकती है। 136 अगर हो गई तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, एबनॉर्मल हो जाएगा, वो बीट टू बीट वेरिएबिलिटी नहीं कहलाएगा, वो किसको शो करेगा, फीटल डिस्ट्रेस को शो करेगा। ये तो सबको समझ में आ गया। अब मेन चीज एसिलेशन, उसको समझ लो। नॉन स्ट्रेस टेस्ट में तो मेन एसिलेशन ही है, एसिलेशन। तो दोस्तों 20 मिनट तक टेस्ट करते हैं तो 20 मिनट के टेस्ट में, 20 मिनट के टेस्ट में, 20 मिनट के टेस्ट में कम से कम दो बार क्या आना चाहिए दोस्तों, एसिलेशन आना चाहिए। बस सिंपल सा समझो, फिर उसको और समझा दूंगा। कब नॉर्मल कहलाएगा, कब रिएक्टिव कहलाएगा नॉन स्ट्रेस टेस्ट। रिएक्टिव मतलब नॉर्मल होना, कब कहलाएगा, जब 20 मिनट तक ये टेस्ट किया जाए और उस 20 मिनट के टाइम पीरियड में दोस्तों कम से कम क्या आए, दो एसिलेशन आए, तभी ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। अब दो एसिलेशन का क्या मीनिंग है, दो एसिलेशन का मतलब ये है दोस्तों कि कम से कम 15 बीट्स पर मिनट क्या बढ़े दोस्तों, उसकी पल्स बढ़े, ठीक है, उसकी हार्ट रेट कितनी बढ़े, 15 बीट्स पर मिनट बढ़े। और वो कितने सेकंड के लिए बढ़े, कम से कम 15 सेकंड के लिए बढ़े, 15 बीट्स पर मिनट बढ़े और 15 सेकंड के लिए कम से कम वो बढ़े दोस्तों, तो उसे हम क्या कहेंगे, एसिलेशन कहेंगे। मतलब कि एसिलेशन का मतलब क्या है, ऐसे नहीं है कि पूरी पूरी 20 मिनट के दौरान एक बार भी भाई हार्ट रेट बढ़ी नहीं रही है, तो वो हार्ट रेट जो होती है दोस्तों कम से कम दो बार तो ऐसा होना चाहिए कि कितनी बढ़ जाए दोस्तों, 15 बढ़े, कम से कम कितनी बढ़े, 15 बढ़े। और कितने सेकंड के लिए बढ़े दोस्तों, वो 15 सेकंड तक रहे बढ़ी हुई, तब कितने सेकंड तक रहे दोस्तों, 15 सेकंड तक बढ़ी हुई रहे। जैसे मान लो 110 थी तो 110 से वो 116 हो गई है, ठीक है, 116 हो गई, लेकिन 116 के उसके करीब वो कितनी देर तक रहे, 116 के आसपास कब कितनी देर तक रहे दोस्तों, कम से कम वो 15 सेकंड के लिए रहे, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, एसिलेशन के नाम से जानेंगे। उसे हम किस नाम जानेंगे, एसिलेशन के नाम से हम उसे जानते हैं। यहां पर हम 20 मिनट की बात करें, एक मिनट की बात नहीं कर रहे हैं। कहीं आप कहोगे सर वहां पर तो आप बीट टू बीट वेरिएबिलिटी में ये कह रहे हो, वहां पर हम एक मिनट की बात करें कि एक मिनट में इतना चेंजेस नहीं आना चाहिए कि 25 से भी ऊपर चला जाए। यहां पर हम बात करें पूरे 20 मिनट की, तो 20 मिनट में कम से कम दो बार ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो बीट्स हैं, जो उसकी पल्स है, उसकी हार्ट रेट जो है दोस्तों वो कितनी बढ़ जाए, 15 बीट्स पर मिनट कम से कम बढ़े, और कम से कम कितनी देर तक के लिए बढ़े, 15 सेकंड तक रहे, वो बढ़ी हुई भी रहे तो कम से कम 15 सेकंड तक रहे। ये दिखाता है कि जो बेबी है वो हेल्दी है, बेबी है वो रिएक्टिव है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, एसिलेशन के नाम से जानते हैं। तो पहला हो गया आपका NST। दूसरा भी बता देता हूं थोड़ा सा, कार्डियो टोकोग्राफी दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर है बिल्कुल उसी की तरह फीटल हार्ट रेट ही मॉनिटर करते हैं, लेकिन साथ में दोस्तों इसके अंदर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन भी मॉनिटर करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टोको, ठीक है। यूटेराइन क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी मॉनिटर करते हैं। तो कार्डियो मतलब फीटल हार्ट रेट से हो गया, टोको का मतलब यहाँ पर यूट्रस से हो गया। तो कार्डियो टोकोग्राफी दोनों को मेजरमेंट करना, वहां पर फीटल हार्ट रेट हम सिंपल भी देख सकते हैं और साथ में फीटल जो मूवमेंट है उनके साथ भी देख सकते हैं। हम देखेंगे मूवमेंट के दौरान क्या हुआ था, तो उस ज्यादातर ये माना जाता है मूवमेंट के दौरान एसिलेशन होना चाहिए। मूवमेंट के दौरान क्या होना चाहिए दोस्तों, एसिलेशन होना चाहिए, इसलिए हम वो देखते हैं। अब यहाँ पर देखो कार्डियो टोकोग्राफी में क्या होगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना थोड़ा सा। फीटल हार्ट रेट के साथ में यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन को चेक करते हैं कि भाई इधर यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन आया और इधर जो फीटल हार्ट रेट है दोस्तों उस पर क्या फर्क पड़ा, ठीक है। इधर दोबारा से यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन आया तो इधर जो फीटल हार्ट रेट है दोस्तों उस पर क्या फर्क पड़ा, इधर यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन आया तो उस पर फीटल हार्ट रेट पे क्या फर्क पड़ा, तो उसी को असेस करते हैं हम किसके थ्रू दोस्तों, कार्डियो टोकोग्राफी के दौरान हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको असेस करते हैं, ठीक है। तो किसके साथ में करते हैं, फीटल हार्ट रेट के, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ। दूसरा अंतर क्या था कि ये लेबर के दौरान ही कर सकते हैं, क्यों दोस्तों,
क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तो लेबर में ही आते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तो लेबर में ही तो आते हैं। आप कहोगे सर मैं तो 30 वीक पे करूंगा ये वाला कार्डियोटोकोग्राफी, तो भाई वहां पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कहां से लेके आओगे आप। इसलिए कार्डियोटोकोग्राफी कब की जाएगी दोस्तों, लेबर के दौरान ही की जाएगी। और समझो क्वेश्चन आते हैं, तीन चार क्वेश्चन जो है फिक्स है उनके बारे में आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों डेसिलेशन क्या होता है, वहां से मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा। एसिलेशन के अंदर क्या हुआ था दोस्तों, बढ़ी थी और यहां पर जो हार्ट रेट है दोस्तों वो 15 बीट्स पर मिनट 15 सेकंड के लिए क्या हो जाए दोस्तों, कम हो जाए, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, डेसिलेशन के नाम से जानते हैं। कम होना, वहां पर बढ़ना, यहां पर क्या होना, कम होना। तो 20 मिनट के पीरियड में कम से कम दो बार हो, उसको छोड़ो सिर्फ इतना समझो डेसिलेशन की 15 बीट्स पर मिनट 15 सेकंड के लिए कम हो जाए दोस्तों, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, डेसिलेशन के नाम से जानते हैं। अब डेसिलेशन भी तीन प्रकार के होते हैं, कई बुक में पढ़ लेना आपको गलत पढ़ाया जाता है, कई जगह भी पढ़ लेना आप गलत पढ़ाया जाता है दोस्तों। मैं आपको थोड़ा सा सही तरीके से समझाना चाहता हूँ इसको, मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है यहाँ पे क्योंकि मैं पूरे एक घंटे डेढ़ घंटे क्लास नहीं ले सकता। लेकिन अर्ली डेसिलेशन होता है, एक लेट डेसिलेशन होता है दोस्तों, एक होता है वेरिएबल डेसिलेशन। आप ऋषि दत्ता की जो बुक है उसमें भी अच्छे से इसको समझ सकते हो, वहां पर भी थोड़ा सा समझा रखा है। अर्ली डेसिलेशन में तो देखो दोनों चीजें होंगी, इधर फिटल हार्ट रेट लिखूंगा मैं तीनों में, और इधर लिखूंगा मैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब अर्ली का मतलब बच्चे क्या समझते हैं कि दोस्त, तो बच्चे ये समझते हैं कि सर जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आएगा ना उससे पहले ही क्या हो जाएगा, उससे ही फिटल हार्ट रेट क्या हो जाती है, डिप हो जाती है, कम हो जाती है, गिर जाती है। लेकिन मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, आप मानोगे नहीं, अर्ली डेसिलेशन के अंदर दोस्तों जैसे जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन चलेगा वैसे वैसे फिटल हार्ट रेट भी चलेगी, फिटल हार्ट रेट में डेसिलेशन आएगा। कैसे डेसिलेशन है तीनों ही है, इसमें क्या होता है दोस्तों बिल्कुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में, इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है पीक पे जा रहा है और नीचे की तरफ जाना डिप कहलाता है या नादिर कहलाता है। क्या कहलाता है, नादिर, NADIR। तो इसमें क्या होगा कि जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ वैसे ही दोस्तों उसी के साथ में इसी लेवल के ऊपर, ठीक है मैं थोड़ा सा बनाने के लिए लाइन खींच लेता हूं, इसी लेवल के ऊपर क्या होगा जो फीटल हार्ट रेट है वो गिरना स्टार्ट होगी, और जैसे जैसे दोस्तों यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जाएगा वापस से ये क्या आने लग जाएगी, नॉर्मल आने लग जाएगी, वापस से क्या आने लग जाएगी, नॉर्मल आने लग जाएगी। फिर वापस से क्या होगा दोस्तों, दूसरा जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो दूसरे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जैसे ये इस प्रकार से रही, अब जैसे दूसरा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएगा यहां से दूसरा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया तो वापस से इसका लेवल क्या होने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा। तो साथ में होंगी, ये ध्यान रखना, अर्ली डेसिलेशन के अंदर जैसे जैसे दोस्तों मतलब इसका जो पीक लेवल है वो इसके डिप लेवल से, उसके नीचे नीचे वाला जो नैडिर नाडिर का जो लेवल है उससे मिलेगा, इसका जो पीक लेवल है वो इसकी नाडिर से बिल्कुल मिलेगा। अर्ली डेसिलेशन में अर्ली नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा कि पहले होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अर्ली डेसिलेशन के अंदर दोनों चीजें क्या चलती है दोस्तों, साथ चलती है, क्या चलती है, साथ चलती है, और डेसिलेशन कम से कम 30 सेकेंड या उससे ज्यादा देर के लिए रहता है। ये कितनी देर के लिए रहता है, 30 सेकंड या उससे ज्यादा, मैंने वहां पर 20 लिखाया है, वो परिभाषा है डेसिलेशन की, लेकिन अर्ली डेसिलेशन में कम से कम 30 सेकंड या उससे ज्यादा देर के लिए क्या रहता है, डिप रहता है, ठीक है, कम हो जाती है, फिटल हार्ट रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसके बाद वापस उठने लग जाती है। लेट डेसिलेशन यहां पर वो कंसेप्ट क्या करेगा दोस्तों, काम करेगा। यहां पर क्या होगा, जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन खत्म होने लगेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही खत्म होने लगेगा दोस्तों, उस खत्म होने के साथ ही फिटल हार्ट रेट गिरना क्या होगी, स्टार्ट होगी, ठीक है, वैसे नहीं गिरेगी। और जैसे ही दोबारा से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही खत्म हो जाएगा, दोबारा से जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो आने के बाद में, ठीक है मैं एक बार थोड़ा सा आगे वैसे बना के दिखा देता हूं, आने के बाद में क्या होगा दोस्तों, ये गिरेगी। तो पहले इधर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहां यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इधर क्या होगा दोस्तों, डेसिलेशन होगा, फीटल हार्ट रेट गिरेगी। अब डेसिलेशन को सिंपल वर्सन समझो, फीटल हार्ट रेट का कम होना, आगे भी यही होगा, दोबारा से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएगा उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, फीटल हार्ट रेट गिरेगी, ठीक है, जैसे ही ये नॉर्मल होगा वैसे ही फीटल हार्ट रेट क्या होने लग जाएगी, गिरने लग जाएगी। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, लेट डेसिलेशन के नाम से जानते हैं, कि पहले यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही खत्म होगा वैसे ही फीटल हार्ट रेट डेसिलेट करेगी, फिर वो नॉर्मल आ जाएगी, वो भी नॉर्मल आ जाएगा, फिर वापस से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही दोस्तों स्टार्ट हुआ उसके बाद में जैसे ही वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुआ, खत्म होने के साथ ही उधर से क्या स्टार्ट हो जाएगा, डेसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, लेट डेसिलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, कहीं अच्छी बुक में पढ़ो, आपको मिल जाएगा अर्ली, ऐसे नहीं कि नहीं मिलेगा, कोई मैं आपको गलत पढ़ाऊंगा, ठीक है, ऐसा मत सोच लेना कि सर ने आपने गलत बता दिया, ये तो दोनों अर्ली का मतलब पहले होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वेरिएबल का मतलब दोस्तों क्या है, यहां पर भी तो लेना देना तो है ना, यहां पर क्या हो रहा है कि भाई यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसके जस्ट बाद क्या हो रहा है, लेट डेसिलेशन हो रहा है,
या डेसेलरेशन हो रहा है, यहाँ भी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है दोस्तों, डेसेलरेशन हो रहा है, लेकिन वेरिएबल में इनका कोई रिलेशन नहीं रहता, क्योंकि वेरिएबल ही हो गया तो वेरी करेगा ये, और वेरी करेगा मतलब दोस्तों क्या होगा कि यहां पर कहीं भी क्या हो सकता है, यहां पे कहीं भी डेसेलरेशन हो सकता है और यहां पर कहीं भी क्या हो सकता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई क्या नहीं रहेगी दोस्तों, रिलेशनशिप नहीं रहेगी, नो रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगी। दूसरा दोस्तों वेरिएबल थोड़ा सा क्या होता है, फास्ट होता है, इसमें 30 सेकंड के लिए डेसेलरेशन होता है, इसमें भी 30 सेकंड या उससे ज्यादा देर के लिए डेसेलरेशन होता है, लेकिन वेरिएबल के अंदर 30 सेकंड से भी दोस्तों कम समय के लिए क्या रहता है, डेसेलरेशन रहता है, 30 सेकंड और उससे भी कम समय के लिए, एकदम से डिप होगी, एकदम से क्या होगी, डिप होगी, फिटल हार्ट रेट एकदम से गिरेगी, उसमें आराम से गिर रही है, मैंने कहा 30 सेकंड का टाइम ले रहा है, सोचो तो 30 सेकंड के टाइम में वो जाके नीचे गिरेगी, कम होगी, इसमें क्या होगा, फास्ट फास्ट गिरेगी, वेरिएबल में क्या गिरेगी दोस्तों, फास्ट गिरेगी, जैसे वी और यू में अंतर होता है ना, एक तो देखो कोई भी ऐसे गिर रही हो और एक ऐसे गिर रही हो, तो वेरिएबल में थोड़ा सा क्या होता है, फास्ट गिरती है, 30 सेकंड से कम समय का क्या लेती है दोस्तों, टाइम लेती है, तो ये क्या कहलाता है, वेरिएबल डेसेलरेशन कहलाता है। दूसरा, इनका यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से और फिटल हार्ट रेट के डिप होने से या कम होने से कोई संबंध नहीं है, ये यहां पर किसी भी टाइम क्या हो सकता है, डिप हो सकता है, इसको यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से कोई लेना देना यहां पे नहीं है, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, वेरिएबल के नाम से जानते हैं। अब एक शॉर्ट ट्रिक छोटी सी पढ़ लो, इनको समझ लिया, क्वेश्चन जो बनते हैं वो वहीं से बनते हैं। तो एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों ने सबने पढ़ी हुई होगी, एक शॉर्ट ट्रिक है व्हील चॉप, कौन सी शॉर्ट ट्रिक है, व्हील चॉप, वो सबने पढ़ा हुआ होगा। वी फॉर दोस्तों वेरिएबल डेसेलरेशन, वेरिएबल डेसेलरेशन, वेरिएबल डेसेलरेशन का क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि क्या कारण होता है, तो यहां पर इसका कारण सी होता है, तो कोर्ड कंप्रेशन होता है, कोर्ड कंप्रेशन क्या होता है दोस्तों, कोर्ड कंप्रेशन होता है। एक देखो अर्ली अर्ली डेसेलरेशन, तो अर्ली डेसेलरेशन का जो कारण होता है वो होता है हेड कंप्रेशन, क्या होता है दोस्तों, हेड कंप्रेशन होता है, हेड कंप्रेशन। इसके बाद होता है एसिलरेशन, अगर हार्ट रेट बढ़ रही है तो वो हमने नॉन स्ट्रेस टेस्ट में भी पढ़ा है, एसिलरेशन तो बढ़िया चीज है, खराब थोड़ी है, एसिलरेशन किस चीज को दिखाती है दोस्तों, ओके को दिखाती है, शो करती है, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों लेट डेसेलरेशन, लेट डेसेलरेशन, तो लेट डेसेलरेशन किस चीज को शो करती है दोस्तों, प्लासेंटल, प्लासेंटल इनसफिशियंसी को शो करती है, कि भाई प्लासेंटा को जितना ब्लड देना चाहिए बच्चे को उतना ब्लड नहीं पहुंचा पा रहा है, ठीक है, जितनी ऑक्सीजन जानी चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, तो इसे हम किस नाम जानेंगे, प्लासेंटल इनसफिशियंसी। अब मेरा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि इन सब में से सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा होगा। देखो कोर्ड कंप्रेशन सही हो सकता है, हेड कंप्रेशन होता रहता है, ये तो इसे वापस बेबी ने जैसे हेड कंप्रेस किया, नर्व स्टिमुलेट होती है वेगस नर्व और उसके कारण से हार्ट रेट गिर जाती है, वो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा डेंजर इनमें कौन सा है दोस्तों, प्लासेंटल इनसफिशियंसी, मतलब कि लेट डेसेलरेशन। कभी भी दोस्तों लेट डेसेलरेशन क्या नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, लेट डेसेलरेशन प्रेजेंट हो गया तो सिंपल सी बात है कि जो बेबी है दोस्तों उसको पर्याप्त मात्रा में एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ठीक है, बस ये याद कर लो, आप तो बहुत है, इतना पढ़ लो बच्चों, बहुत है आपके लिए अभी, इतना थोड़ा सा टफ भी पड़ता है ये ना। एक कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट हो रहा है आपको, उसने वो क्या है, तो वो इन्वेजिव प्रोसीजर है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट है वो इन्वेजिव है, उसमें हम कॉन्ट्रैक्शन जानबूझ के लाते हैं, क्या देकर, ऑक्सीटोसिन देकर, बाकी का सारा वो कार्डियोटोकोग्राफी के जैसे ही होता है। देखो एक क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर ए नॉन स्ट्रेस टेस्ट इन 37th वीक ऑफ जेस्टेशन, 37 वीक की प्रेगनेंसी में एक क्लाइंट को नॉन स्ट्रेस टेस्ट के लिए क्या किया गया, शेड्यूल किया गया। एक नर्स एक्सप्लेन करती है, क्या एक्सप्लेन करती है, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करती है, विच स्टेटमेंट डेमोन्स्ट्रेट दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड द टीचिंग, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है दोस्तों, ये वो दिखाता है कि क्लाइंट टीचिंग को अंडरस्टूड कर गया। तो मैंने आपको समझा रखा है, अगर अंडरस्टूड कर गया, मैं आपको पढ़ाऊं और कोई क्वेश्चन पूछूं और आप उसका सही जवाब दो, इसका मतलब आपने सही समझ गए, तो इसमें से आपको सही आंसर ढूंढना है कि सही बात कौन सी है। तो पहला बच्चा क्या कह रहा है, वो भोंदूराम, कि एन आईवी विल बी नीडेड टू इंजेक्ट द मेडिकेशन, कि भाई आईवी देना पड़ेगा, तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट का नाम ही नॉन स्ट्रेस, तो कोई स्ट्रेस क्यों दोगे आप, तो कोई भी आईवी मेडिकेशन देने की, यहाँ पर कोई भी आईवी मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, माई बेबी मे गेट रेस्टलेस आफ्टर दिस प्रोसीजर, जब कुछ आईवी कर ही नहीं रहे, बस सीधा हम मॉनिटर कर रहे हैं, फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर कर रहे हैं, उधर मदर आराम से बैठी हुई है, हाथ में उसके रिमोट और दे रखा है कि भाई तुम्हें क्या करना है, कोई भी मूवमेंट हो तो बटन को दबा देना, वो आराम से खेल रही है बटन के साथ में, तो उसको वहां पर क्या परेशानी है, तो
कोई भी बेबी उबी रेस्टलेस नहीं होगा इसमें, ठीक है, किसी का भी बेबी उबी रेस्टलेस नहीं होगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट, आई होप दिस टेस्ट डज नॉट कोज माई लेबर टू बिगेन अर्ली। तो उसको किस चीज का डर है, उसे ये आशा है कि मैं आशा करती हूँ कि मेरा जो बेबी है दोस्तों वो क्या नहीं होगा, डज नॉट कोज माई लेबर टू बिगेन अर्ली, किसके कारण लेबर जो है वो दोस्तों जल्दी शुरू नहीं होगा। तो ये इस प्रकार की जो एंजाइटी है ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है, इसका कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस मेथड में सिर्फ हम मॉनिटर कर रहे हैं, तो इस मेथड के कारण कभी भी क्या नहीं हो सकता है दोस्तों, लेबर बिगेन नहीं कर सकता। और इस ऑप्शन के अंदर वो एंजाइटी शो कर रही है कि मैं ये आशा करती हूँ कि ये टेस्ट मेरा लेबर जल्दी शुरू नहीं करेगा, तो ये तो एंजाइटी हो गई ना। तो कहाँ समझी इस चीज को, इस चीज को समझी नहीं है, समझती तो वो उसको एंजाइटी होती ही नहीं इस चीज की, लेकिन उसको एंजाइटी सो रही, इसलिए ऑप्शन गलत होगा। थोड़ा सा समझना इसको कि आई होप, मैं आशा करती हूँ कि दिस टेस्ट, यह टेस्ट डज नॉट कोज लेबर टू बिगेन अर्ली, कि जो लेबर जो बिगेन जो शुरू हो रहा है अर्ली दोस्तों वो नहीं होगा, मैं आशा करती हूँ। तो दोस्तों वो क्या समझी, वो फिर वो तो कुछ समझी नहीं, जब उसको इस चीज की एंजाइटी है कि वो आशा कर रही, मतलब हो भी सकता है उसको, मतलब डर है इसका कि ऐसा हो भी सकता है कि उसका जो लेबर है दोस्तों वो जल्दी शुरू हो जाए, जबकि लेबर से और इसका कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। अब ये मत कहते हैं सर अभी तो आप लेबर पढ़ा रहे थे कि लेबर में होता है, वो नॉन स्ट्रेस टेस्ट नहीं है, वो कार्डियोटोकोग्राफी है, कहीं वहां पर कंफ्यूज हो रहे हो कुछ बच्चे को, सर लेबर में तो होता है, अभी तो पढ़ाया आपने, हमने तो देखा ही अभी यार, हमने पूरा रट लिया, व्हील इधर चोप है पूरा मिला दिया हमने लाइन से लाइन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, किसकी, नॉन स्ट्रेस टेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब लास्ट जो ऑप्शन है वही सही होगा जब एक ही बच्चा है, तो अब ऐसे तो है ना कि कोई तीनों मैंने गलत बता दिया, अब कोई बच्चा बैठा बैठा कह रहा होगा मैं बताऊं सही आंसर फोर्थ आएगा, तो अब बताने का कोई फायदा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सबको पता ही है जब फोर्थ आएगा, ये तो सबको ही पता है, ये तो एक आप LKG के बच्चे को दोगे कि बताओ कौन सा अलग दिख रहा है आपको, तो वो यही कहेगा ये इसको नहीं छेड़ रखा, बाकी सबके तो लाइन लाइन कर रखी है, यही आएगा आंसर। तो इफ द हार्ट रिएक्ट्स वेल माई बेबी शुड बी ओके व्हेन आई गिव बर्थ, बस वही है कि इस टेस्ट को करेंगे, अगर हार्ट ने सही रिएक्ट किया, मतलब फीटल हार्ट रेट सही रही, ठीक है, बीट टू बीट वेरिएबिलिटी रही, पर्याप्त मात्रा में दो एक्सीलरेशन रही 20 मिनट के पीरियड में, तो उसका बेबी अच्छे बर्थ देगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को रिएक्टिव दिखाएगा कि भाई बच्चा हेल्दी है, तो बच्चा जब हेल्दी है तो इस चीज को शो कर रहा है, तो ये चीज आप समझ जाओ। तो वो सही कह रहा है कि भाई हार्ट रिएक्ट वेल करेगा तो मेरा जो बर्थ है वो बच्चा जो जिसको मैं बर्थ दूंगी वो भी क्या होगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। हाँ सही है, वही चेक करते हैं भाई हार्ट रेट सही है उसकी, बेबी हेल्दी है या नहीं है, बस तो उससे हमें को पता लग गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो इसको लिख लो, अब आप इसको लिखो, क्या लिखो इसमें, मैं लिखो नॉन स्ट्रेस टेस्ट में, नॉन स्ट्रेस टेस्ट में, टेस्ट में फीटल हार्ट रेट को विद फीटल मूवमेंट, ये भी लिख लो साथ में, विद फीटल मूवमेंट असेस करते हैं, विद फीटल मूवमेंट असेस करते हैं, असेस करते हैं, करते हैं, जिससे पता चलता है कि, जिससे, अब ये लाइन लिखवा देता हूँ मैं ना, जिससे पता चलता है कि, पता चलता है कि अगर हार्ट ने सही रिएक्ट किया, अगर हार्ट ने सही रिएक्ट किया तो बेबी हेल्दी होगा, तो बेबी हेल्दी होगा। कई बार सर हट जाओ ना प्लीज, चलो हट जाता हूँ, ये लो हट गया, स्क्रीनशॉट ले लो बाद में लिख लेना, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था आज की क्लास में। देखो हमने कितनी चीजें पढ़ी हैं दोस्तों, कोई कम चीज थोड़ी पढ़ी हमने। मैंने आपको स्ट्रेस टेस्ट के बारे में पूरा अच्छे से समझा दिया है, अल्फा फीटो प्रोटीन के बारे में कितना अच्छे से समझा दिया मैंने आपको, इसके अलावा मैंने पूरा आपको फीटल फिजियोलॉजी है, सारे सिस्टम है उनके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, और आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, पूरा RH इनकम्पेटेबिलिटी जो डिसऑर्डर है, पूरा डिसऑर्डर पढ़ा दिया मैंने आपको। तो एक क्लास में आप इतनी चीज़ें पढ़ोगे और कितना पढ़ना चाहते हो आप क्या चाहते हो कि पूरी ओबी जी खत्म हो जाए और मोस्ट भी के 10 क्वेश्चन भी करवा दिए साथ के साथ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है। अब सिंपल ही क्वेश्चन है ये, और 91 आ गया, सॉरी 99 देखते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्लाइंट इन द 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 18 वीक की प्रेगनेंसी या 18 से 20 वीक के बीच में जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसे हम लेवल सेकंड या टारगेट स्कैन के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। तो 18 वीक की प्रेगनेंसी है और उसको अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए क्या किया गया, शेड्यूल किया गया है। सबसे अच्छा अल्ट्रासोनोग्राफी होता है ये, जो नया MTP जो एक्ट है उसके अंदर 24 वीक करने का जो रीजन है ना दोस्तों वो ये भी है, क्योंकि 18 से 20 वीक पे ही मेन अल्ट्रासाउंड होता है, जिसे हम लेवल सेकंड कहते हैं, टारगेट स्कैन कहते हैं, जिसमें सारे कॉन्जिनेटल एनोमलीज, एक एक आर्टरी, नर्व, वेन, फिजिकल कॉन्जिनेटल एनोमलीज सबका पता लग जाता है। तो दोस्तों पहले उसका टाइम पीरियड 18 से 20 है, तो कई बार क्या होता है कि मदर 20वीं वीक में करवाती और जब उसको बाद में पता लगता कि कॉन्जिनेटल एनोमलीज है, तब तक जो MTP का जो टाइम पीरियड था वो निकल जाता था। इसलिए जब ये टेस्ट 18 से 20 वीक भी किया जाता है टारगेट स्कैन, तो इसको बढ़ाना कहा गया कि भाई कॉन्जिनेटल एनोमलीज हो गई फिर भी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना पड़ रहा है, फिर क्या फायदा हुआ। इसलिए दोस्तों इसलिए इसका टाइम पीरियड 20 से क्या किया गया था, 24 वीक किया गया था। यहाँ पर क्वेश्चन को ऐसा लिखने रखा कि भाई ये लेवल सेकंड या टारगेट स्कैन है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा था। बोर्ड इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव द क्लाइंट, भाई क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। पहला, डोंट ईट फॉर 4 आवर्स आफ्टर द टेस्ट। तो दोस्तों USG के अंदर NPU रहने की कोई जरूरत नहीं होती है, इसमें अगर कुछ मत खाओ 4 घंटे तक, ठीक है। NPU की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं होती है कि आप भाई NPU को ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं कि हमको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा और पेशेंट को NPU रखना, क्या है दोस्तों जरूरी है कि पेशेंट के एस्पिरेशन के चांसेस होंगे, ऐसा तो है नहीं, पेशेंट पूरा कॉन्शियस है उसको कोई ड्रग देते हैं, तो NPU के यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, तो गलत है। गिव यूरसेल्फ एनिमा द नाइट बिफोर, आप एनिमा ले लेना। तो दोस्तों ये कोई कोलोनोस्कोपी नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, कि हम कोलोनोस्कोपी करके हम ये देख रहे हूँ, इंटेस्टाइन को देख रहे हूँ कि वहाँ पर स्टूल है या नहीं है, ठीक है। तो स्टूल अगर होगा तो कोलोनोस्कोपी सही से नहीं हो पाएगा, तो कोलोनोस्कोपी के द्वारा हम क्या करते हैं, पूरे जो इंटेस्टाइन को अच्छे से देखते हैं। तो उस टाइम ये दिया जाता है आपको, ठीक है, पैगलेक दिया जाता है कि भाई पूरा सा क्या हो जाए, क्लीन हो जाए, पूरा इंटेस्टाइन क्लीन हो जाए, ठीक है, तो वो दिया जाता है। तो एनिमा देने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट, यू विल बी मॉनिटर्ड क्लोजली आफ्टरवर्ड्स फॉर साइन ऑफ लेबर, कि भाई USA के बाद में है ना तुम्हें साइन ऑफ लेबर क्या किया जाएगा दोस्तों, मॉनिटर किया जाएगा। 18 वीक की प्रेगनेंसी है, पहली बात हुई है। दूसरी बात, USA कोई ऐसा इफेक्ट डालता ही नहीं है, हम USA में कोई ऐसी ड्रग नहीं देते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं करते हैं जैसे हमने NST में पढ़ा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे लेबर का क्या लेना देना। तो दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत आंसर और बिल्कुल मूर्ख आंसर हो जाएगा ये। तो इसमें क्या करेंगे बच्चा हुआ, आप बताओ, सब बताओ कौन सा होगा इसका आंसर, इंटेलिजेंट बच्चे सब बताओ। डोंट यूरिनेट फॉर एटलीस्ट 3 आवर्स बिफोर द टेस्ट, कि कम से कम 3 घंटे तक क्या नहीं करो दोस्तों, आप यूरिनेट नहीं करो। तो इससे क्या फायदा होता है, इससे जो ब्लैडर है दोस्तों वो क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। तो विजुअलाइजेशन में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। तो ध्यान रखना USG से पहले फुल ब्लैडर क्या होता है दोस्तों, जरूरी होता है। इसलिए फुल ब्लैडर जरूरी होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि भाई आप यूरिनेट मत करो कम से कम 3 घंटे के लिए। तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। तो लिखो, अल्ट्रासोनोग्राफी से तीन घंटे तक यूरिनेशन नहीं करना चाहिए, यूरिनेशन या यूरिन पास नहीं करना चाहिए, क्योंकि फुल ब्लैडर की जरूरत होती है, क्योंकि फुल ब्लैडर की जरूरत होती है। इसके बाद हम देखते हैं आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन 7 करोड़ रुपए के लिए। क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं आ रहा, कंप्यूटर जी स्क्रीन पे लाया जाए। तो आपके स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। ए नर्स इज टीचिंग ए प्राइमरी ग्रेविडा, पहली बार जो प्रेग्नेंट हुई है उसे हम किस नाम जानते हैं, प्राइमरी ग्रेविडा के नाम जानते हैं, जो एक बार भी नहीं हुई नली ग्रेविडा है, ठीक है, अबाउट इससे ज्यादा होती है तो मल्टी, अबाउट हाउ सी कैन आइडेंटिफाई द ऑन सेट ऑफ लेबर, कि ये पढ़ा रही है कि भाई आप ऑन सेट ऑफ लेबर को कैसे समझोगे। व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर ऑफ द लेबर वुड नेसेसिएट द क्लाइंट टू कॉल हर हेल्थ केयर प्रोवाइडर,
तो भाई इनमें से कौन सी चीज है जिसमें क्लाइंट को ये बताएगा कि वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बुलाए। तो मतलब कि दोस्तों जब लेबर की एक्टिव फेज आ जाती है ना, तो उस दौरान हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बुला लेना चाहिए, क्योंकि एक्टिव फेज के अंदर मान लो एक्टिव फेज आएगी, उसके बाद में सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाती है, तो उस दौरान हेल्थ केयर प्रोवाइडर का प्रेजेंट होना वहां पर क्या है, जरूरी है। इसलिए हम उसको ये एक्टिव स्टेज के बारे में हमको बताना क्या होता है दोस्तों, जरूरी होता है। न सिर्फ ऑनसेट ऑफ लेबर के बारे में नहीं बात है यहाँ पे, आपको सर साइन ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर की बात कर रहे हो क्या? साइन ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर में तो जो फर्स्ट स्टेज है वो भी आ जाता है, जिसमें ट्रू लेबर पेन आता है, सर्वाइकल डायलेशन आता है, सो आता है, ठीक है, सो की कंडीशन है वो भी आती है, तो वो नहीं है। यहाँ पर ऑनसेट ऑफ लेबर की बात नहीं है, सिर्फ क्या है कि ऑनसेट ऑफ लेबर के अंदर में एक्टिव फेज की बात है, कि एक्टिव फेज ऑफ लेबर में हमको क्या करना पड़ता है, एससीपी को बुलाना पड़ता है। तो बस एससीपी को कब बुलाओगे, तो पहला इसमें वो दे रखा है ब्लडी सो एंड बैक प्रेशर अकर। तो दोस्तों ये अर्ली फेज में भी हो जाता है। सो क्या होता है, सर्वाइकल जो म्यूकस जो होता है दोस्तों, उस दौरान क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान जो सर्वाइकल म्यूकस है वो ज्यादा मात्रा में बनने लग जाता है। हमने एक बार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पढ़ा था, तो ज्यादा सर्वाइकल म्यूकस रहता है, और जो स्ट्रेचिंग जब होती है ना, तो छोटी छोटी वेसल्स क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, जिनमें से ब्लड निकलता है, और वो ब्लड जो है दोस्तों वो उस म्यूकस के साथ मिलकर बाहर आता है, जिसको किस नाम से जानते हैं हम, सो के नाम से जानते हैं, जो कि ऑनसेट ऑफ लेबर का साइन है, लेकिन अर्ली स्टेज के अंदर ये होता है, ठीक है। और यहाँ पर एससीपी को बुलाना कोई जरूरी नहीं है, इसमें ये पूछ रहा है कि कब एससीपी को बुलाना चाहिए, तो मैंने आपको बताया है कि एक्टिव फेज में हम बुलाएंगे। एंड बैक प्रेशर अकर, तो बैक प्रेशर को समझाने की जरूरत नहीं है, पीछे प्रेशर लग रहा है तो उस दौरान नहीं बुलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शंस बिकम रेगुलर और गेट स्ट्रॉन्गर, कि जो कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं दोस्तों वो क्या हो जाए, रेगुलर हो जाए और धीरे धीरे क्या होते जाएं, वो स्ट्रॉन्गर होते जाएं। तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि मेम्ब्रेन्स क्या हो जाए, रैप्चर हो जाए, और कॉन्ट्रैक्शंस जो है 5 से 8 मिनट। मेम्ब्रेन्स जैसे ही दोस्तों क्या हो जाती है, रैप्चर हो जाती है, रैप्चर होने के बाद में ये साइन करता है इस चीज को कि आगे अब जो जो मदर है वो किस फेज में जा चुकी है। ऐसे भी कह रहा है कि मैं प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हो गया यार, आप कह रहे हो नॉर्मल रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन की हम बात कर रहा हूँ। और कॉन्ट्रैक्शंस भी कैसे आने लगे दोस्तों, जल्दी आने लगे, 5 से 8 मिनट में आने लग गए हैं। तो ये इस चीज को शो करता है कि भाई अब जो मदर है वो किसके अंदर है दोस्तों, एक्टिव फेज में है। इससे ऊपर वाले में कॉन्ट्रैक्शंस रेगुलर और गेट स्ट्रॉन्गर तो पहले ही होने लग जाते हैं, रेगुलर और स्ट्रॉन्गर होते ही जाते हैं। पहले क्या होता है फर्स्ट स्टेज में थोड़ी सी देर में आएंगे, फिर थोड़ी जल्दी आएंगे, तो वो फर्स्ट स्टेज के अंदर जो अर्ली फेज है वहीं से क्या होने लग जाता है, स्टार्ट होने लग जाता है, लेकिन एक्टिव फेज के अंदर कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे दोस्तों मेम्ब्रेन रैप्चर ही हो गई है, मेम्ब्रेन रैप्चर हो चुकी है दोस्तों, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड की जो मेम्ब्रेन है, एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन है वो रैप्चर हो गई है, और जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो दोस्तों बहुत जल्दी आने लग गए हैं, 5 से 8 मिनट में आने लग गए हैं। तो ये किस चीज को शो करता है कि अब एक्टिव फेज में आ चुका है, ठीक है, और इसलिए अब एससीपी को नोटिफाई करना क्या है दोस्तों, जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड होगा ना कि सेकंड होगा, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये दिखने में थोड़ा सा सही लग रहा है लेकिन ये गलत है, क्योंकि उससे पहले की जो फेज होती है उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं दोस्तों क्या होने लग जाते हैं, रेगुलर होने लग जाते हैं। लास्ट वाला जो दे रखा है, कॉन्ट्रैक्शंस आर 10 to 12 मिनट्स अपार्ट एंड लास्ट अबाउट 30 सेकंड, तो ये बहुत पहले हो जाता है, 10 से 12 मिनट बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। जब 10 से 12 मिनट में आएंगे तो इसका मतलब वो लेटेंट फेज के अंदर है अभी, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन नहीं है ना, थोड़ा सा अजीब भी है और टफ भी है, लिखो। देखो मेम्ब्रेन के रैप्चर होने के बाद, मेम्ब्रेन के रैप्चर होने तथा क्योंकि मेम्ब्रेन कैप्चर होने के बाद दोस्तों इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं ना वो भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, इसलिए अब डिलीवरी करवाना क्या होता है, जरूरी हो जाता है। तो मेम्ब्रेन रैप्चर होने के बाद आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास आना ही पड़ेगा। अब इन कंडीशन के अंदर क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, फर्स्ट स्टेज काफ़ी लंबी होती है, हम पढ़ते हैं कि 12 घंटे की स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज 12 घंटे की होती है। अब मान लो शुरू के 1-2 घंटे के अंदर धीरे धीरे सर्वाइकल डायलेशन होगा, वहां पर सो भी प्रेजेंट मिल जाएगा आपको, कॉन्ट्रैक्शंस भी रेगुलर और स्ट्रॉन्गर मिलते जाएंगे, 10 से 12 मिनट में मिलते जाएंगे। लेकिन अगर मेम्ब्रेन रैप्चर हो गई तो अब इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अब ऐसा होगा कि भाई अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उस मदर की केयर करना वहाँ पे जरूरी है, क्यों, क्योंकि वो एक्टिव फेज में जा रही है। तो ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, रैप्चर होने तथा यही लैंग्वेज लिखाऊंगा मैं, कॉन्ट्रैक्शंस के 5 से 8 मिनट में आने पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल करना जरूरी होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल करना जरूरी होता है। ऐसे नहीं कि आप घर पे बैठी हुई हो, वो मदर को ये पढ़ा रही है नर्स, ऐसे नहीं है, देखो ब्लड इशू आ गया, ठीक है, अभी आपको हो सकता है कि और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे तो आगे जाके आपको लेबर होगा,
ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस जो है दोस्तों वो रेगुलर और स्ट्रॉन्गर पहले भी हो सकते हैं, तब भी आप ठीक है मत आओ SCP के पास। कॉन्ट्रैक्शन 10 से 12 मिनट में रहे तब भी मत आओ। लेकिन अगर मेम्ब्रेन, इसमें मेन है ना मेम्ब्रेन रैप्चर है, ध्यान रखना इस चीज का, है ना। लेकिन अगर दोस्तों मेम्ब्रेन रैप्चर हो गई ना तो उसके बाद तो आपको SCP को कॉल करना ही करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, मेम्ब्रेन रैप्चर होने के बाद तो SCP को बुलाना जरूरी ही जरूरी है। तो आने पर SCP को कॉल करना जरूरी है, बस इसको लिख लेना। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। एक बार जल्दी सी 2 मिनट में मैं आपको सारी रिवाइज करवा देता हूँ, जो कि मैं करवाऊंगा जरूर। चाहे आप, मुझे पता है आप ये कहोगे कि सर रहने दो, लेकिन मैं अपनी मेहनत को कम नहीं करूंगा, मैं अपनी पूरी रहूंगा। आपकी मर्जी है, आप पढ़ो तो मत पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं सच कह रहा हूँ, पूरी क्लास को अगर आपने लास्ट के 3 मिनट देख लिया ना, पूरा रिवाइज हो जाएगा। आप आगे कल अगर 30 मिनट दोगे ना तो भी मुश्किल रहेगा, लेकिन आज अगर आप 3 मिनट भी दोगे ना तो भी आपके काम का होगा। प्रेगनेंसी के दौरान 28वें वीक में दोस्तों कौन सा टेस्ट किया जाता है? इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट किया जाता है, क्योंकि अगर मदर RS नेगेटिव और फीटस RS पॉजिटिव है तो फीटस के अंदर एक्टिव हीमोलाइटिक एनीमिया, हाइड्रोफिटेलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, फिटेलिस, ठीक है, इन सब के होने के चांसेस क्या होते हैं दोस्तों? ज्यादा होते हैं। पूरी डिजीज पढ़ा दी मैंने आपको, और क्या पढ़ोगे आप? प्रेगनेंसी के दौरान एल्कोहल तथा स्मोकिंग कंप्लीटली क्या होते हैं दोस्तों? बंद कर देने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप थोड़ा बहुत लो और मत लो, ये वाला सिस्टम नहीं चलेगा, बिल्कुल बंद प्रेगनेंसी के दौरान। अरे यार क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर बेबी की रैपिड फीटल हार्ट रेट के बारे में पूछे तो उसे बताना चाहिए कि ये रैपिड ही होती है तथा एक्सपेक्टेड जो रेंज है वो 110 से 160 के बीच में रहती है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली जो ल्यूकोरिया का जो कारण है वो दोस्तों क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, प्रेगनेंसी के दौरान लोअर एक्सट्रीमिटीज में एडिमा देखने को मिल सकती है, लेकिन इस कारण साल्ट का इंटेक कम नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले ल्यूकोरिया का कारण क्या होता है दोस्तों? एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। प्रेगनेंसी के दौरान लोअर एक्सट्रीमिटीज में एडिमा बता तो दिया यार, ये दोनों ही बता दिए मैंने, दोबारा से आ गया, ये थोड़ा सा हैंग हो गया सिस्टम, है ना। हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान फ्लूड रिटेंशन होना क्या है दोस्तों? नॉर्मल है। इससे इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लोअर एक्सट्रीमिटीज को क्या कर सकते हैं? एलिवेट कर सकते हैं। फिर अल्फा फीटोप्रोटीन वाला आएगा। अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तथा डाउन सिंड्रोम की जांच के लिए किया जाता है। फिर नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या है? कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट में फीटल हार्ट रेट विद फीटल मूवमेंट को हम क्या करते हैं? असेस करते हैं, जिससे ये पता लगे कि अगर हार्ट जो है वो सही तरह से रिएक्ट कर रहा है तो जो बेबी है वो सही तरह से क्या होगा? डिलीवर होगा। इसके बाद अभी दोनों पढ़ाए हैं आपको, जो ये दोनों हैं ये हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी से क्या ध्यान रखना चाहिए अल्ट्रासोनोग्राफी में दोस्तों? कि अल्ट्रासोनोग्राफी से पहले 3 घंटे तक यूरिनेशन नहीं करना चाहिए। क्या है चक्कर इसका? ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी से पहले 3 घंटे तक यूरिनेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक फुल ब्लैडर की क्या होती है? जरूरत होती है। लास्ट है कि मेम्ब्रेन के रैप्चर होने तथा कॉन्ट्रैक्शन के 5 से 8 मिनट में आने पर SCP को कॉल करना जरूरी है। बस तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी जिसमें हमने काफी सारे टॉपिक्स पढ़े, कई चीजों के बारे में पढ़ा है, और मैं ये आशा करूंगा कि आपको समझ में आ भी रहा होगा। और हम आपके सिलेबस में बहुत आगे की तरफ हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? बढ़ रहे हैं। आज हमने 100 आप लोगों ने शतक मार लिया, सभी जोर से तालियां बजाकर अपने आप को आप क्या कर सकते हो दोस्तों? मोटिवेट कर सकते हो कि मैंने 100 क्वेश्चन पढ़ लिए मौसमी के। और ये होना चाहिए दोस्तों बस कि 100 के 100 क्वेश्चन आने चाहिए आपको। कोई से भी क्वेश्चन पे हाथ कोई लगा देना तो जबकि जब बता दो कि इसका ये आंसर है, ऐसा होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद होने चाहिए दोस्तों। तो इसको और आगे बढ़ाएंगे, हम आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चंस पे आपको मिलते हैं, अगली क्लास में आपको मिलते हैं। तब तक सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।